गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस यू आर राइट जेआईएनसी, या तो मुमकिन है, यहां कभी छुट्टी नहीं होती। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपनी क्लास के अंदर थोड़ा डिले हो गया है। लिंक यही रहेगा, फटाफट से शेयर कर दें। जो लोग चाय पीने चले गए हैं, जो लोग इधर उधर हॉल टिकट की इंक्वायरी करने चलेंगे, वो भी आ जाए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। बिल्कुल सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे हम। वेलकम प्रीति मीणा इनटू जेआईएनसी सपोर्टर क्लब। वेलकम नेहा रघुवंशी इनटू जेआईएनसी प्रीमियम। वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़े सी रुकावट के बाद हम फिर शुरू कर रहे हैं, और आज का सुविचार भी इससे मिलता जुलता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो यहां पर थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन हमने प्रयास करना जारी रखा। आपने भी लिंक पे इंतजार करना जारी रखा, और देखिए हम इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, जय बाबा रामसा पीर की, तेजादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिश्नोई समाज के बलिदान के प्रतीक खेजड़ली के 363 शहीदों को नमन करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च। आप शेयर कर दें, अभी भी लोग जो भूले भटके दूसरे लिंक के तलाश में हैं, वो लोग आ जाएं क्लास के लिए। सो नर्सिंग रिसर्च क्या है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। डोंट वरी बच्चों, एडमिट कार्ड आया नहीं आया ये गवर्नमेंट का काम है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, जिनको आ गए हैं बाकी वालों को भी हॉल टिकट मिल ही जाएंगे, बस उनको सिर्फ तरीका पता नहीं है। सबको पता चल जाएगा तरीका। यस, यहां पर हर JINCM का एक ही मोटो है कि आई कैन डू इट और आई विल डू माई बेस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च टिपिकली कंडक्टेड बाई टीचर्स काउंसिलर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स टू आंसर द क्वेश्चन दैट दे हैव एंड स्पेसिफिकली हेल्प देम टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम। सो यहां पर रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्विंग से डायरेक्ट रिलेशन है। रिसर्च का मतलब क्या है, तो आप देखोगे कि हम सर्च कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल है, तो उन सवालों का आंसर्स ढूंढना, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना एक रिसर्च है। दूसरा, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। सो उसी आधार पर पर्पज के हिसाब से रिसर्च दो टाइप का होगा। और एक क्वेश्चन यहां आपको पूछा हुआ है कि जो टीचर्स रिसर्च कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको, या फिर उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हैं जो उनके सामने आए हैं, तो आपको याद रखना इसका आंसर होगा
एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। यहां एक्शन रिसर्च कैसे, तो आपको याद रखना है कि प्यास लगने पर कुआं खोदना, प्यास लगने पर कुआं खोदना, प्यास लगने पर कुआं कौन खोदता है? जब प्रॉब्लम सामने है, क्वेश्चन सामने है, तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, उसके लिए रिसर्च करेंगे। जैसे जैसे अब दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पे रिसर्च हो रही है, कोरोना वायरस का इंफेक्शन हुआ, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद ये रिसर्च हो रहा है, इसीलिए इसको हम एक्शन, यानी कि हम एक्शन ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं नॉलेज को, क्योंकि प्रॉब्लम सामने है, सवाल का उत्तर चाहिए। इसीलिए रिसर्च दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है अप्लाई और दूसरा होता है बेसिक, दूसरा होता है बेसिक। सो जब एग्जाम देने वाले बच्चे ये आज रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये अप्लाइड टाइप का हो गया, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी। लेकिन जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, वो ये क्लास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो बेसिक नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं अपना, बेसिक नॉलेज। आज उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, इसीलिए सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए जो रिसर्च किया जाएगा, नॉलेज बेस बनाने के लिए, वो बेसिक रिसर्च कर, और बेसिक रिसर्च थ्योरी डेवलप करने के काम आता है। हम सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज वो हमारे काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिसर्च जब हम देखें, तो यहां पर मेनली मेथडोलॉजी के हिसाब से, मेथडोलॉजी के हिसाब से रिसर्च दो प्रकार का होगा, टू टाइप्स ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेथडोलॉजी। एक क्वांटिटेटिव, जहां क्वांटिटी होगी वहां जो रिसर्च होगा वो होगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसको मेजर किया जा सकता, जिसको नाप सकते हैं हम। यहां दूसरा टाइप होगा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को नापा नहीं जा सकता, सिर्फ नरेट किया जा सकता है। नरेट मतलब सिर्फ बयान किया जा सकता है, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे, आपको जो एग्जाम में पूछेंगे, वो 99% सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होगा। सो जैसे आपको कोई पूछे कि जेआईएनसी से आपको कितना फायदा हुआ, जेआईएनसी का ये फ्री क्रैश कोर्स आपको कितना हेल्पफुल रहा, तो क्या आप इसको नाप के बता सकते हो? 5%, 10%, 15%, ऐसा नापा नहीं जा सकता। आप सिर्फ कहोगे बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, यानी आप सिर्फ बयान कर सकते हो, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो मेजरेबल जो नहीं होगा, सिर्फ बयान किया जा सकता है, वो है क्वालिटेटिव, वो है क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव को हम थोड़ा सा टच करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको पता ही है जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है। बिल्कुल गीता सही कह रही है, बहुत फायदा हुआ, अनमोल, बयान भी नहीं कर सकते। तो कई ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तब हम उनको शब्दों में नहीं बयान कर सकते, वो होता है क्वालिटेटिव, और जिसको नापा जा सकता है। जैसे आपके मार्क्स कितने आए, आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। मनोज ने तो इतने जीरो लगा के प्रॉफिट बताया है कि पूछो ही मत। थैंक यू सो मच।
और आज वाला ये फाइनल टच रहेगा। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की भी क्लासेस होगी। कोई भी सवाल हमारे इस कोर्स से बाहर नहीं आएगा, इतना हम यकीन दिला सकते हैं। आपको याद रखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव में कोई फिक्स मेथड नहीं होता, क्वांटिटेटिव में फिक्स मेथड होता है, क्वालिटेटिव में कोई फिक्स मेथड नहीं होता। थैंक यू पूजा चौधरी, हम सब भी आप लोगों के बड़े फैन है कि आप इतनी मेहनत करते हो सुबह से शाम तक। सो नर्सिंग रिसर्च क्या है, ऐसा आपसे यदि कोई पूछे तो हम देखेंगे कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च दो प्रकार का होता है, बेसिक रिसर्च, बेसिक जो सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए किया जाता, अप्लाइड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए किया जाता है। सो नर्सिंग रिसर्च के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, रिसर्च इज सिस्टमैटिक इंक्वायरी, रिसर्च इज सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड। सिस्टमैटिक का मतलब क्या, इसके फिक्स स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही बन ये प्रोसेस पूरा करना। यहां पर आप फ्रॉग बन के जंप नहीं कर सकते, कभी यहां जंप किया, कभी वहां जंप किया, कभी यहां जंप किया, ऐसा नहीं। दैट यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड, यानी कि मेथड फिक्स है, आपको रिसर्च करना है तो यही रास्ता अपनाना होगा। और हम रिसर्च करते क्यों हैं, तो आपको याद रखना है टू आंसर द क्वेश्चंस और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। थैंक यू पीयू चौधरी फॉर डोनेटिंग ₹100, थैंक यू सो मच। तो आप देखोगे कि YouTube के ऊपर मैं उनको मौका परस्त या बरसाती मेंढक कहूंगा, जो कभी पहला स्टेप, कभी छठा स्टेप, कभी इधर जंप मारे, कभी उधर जंप मारे, और बाद में बोलते हैं कि आपका कोर्स हो गया, आपका कोर्स हो गया। तो वो कोई सिस्टमिक मेथड नहीं है, सिस्टमिक मेथड है जो यहां जेएनसी में पढ़ाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट डिसिप्लिन के साथ पूरा पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। थैंक यू दीक्षा धीमान, वेलकम टू जेएनसी सपोर्टर। थैंक यू आकांक्षा उपाध्याय फॉर डोनेटिंग ₹100। और आप लोगों के इस डोनेशन से जरूरतमंद बच्चों की मदद होगी, लेकिन कुछ लोगों को यह भी हजम नहीं हो रहा है, वो खुद तो डोनेट कर नहीं सकते, ऊपर से ज्ञान बांटते रहते हैं बच्चों। एनीवेज, सो आपको पता चला रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन मेथड। और पर्पस तो अपने को पता ही है, लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक ही मकसद होता है कि क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब मान लो आपके सामने प्रॉब्लम है कि अब एग्जाम है, स्ट्रेस है और आपको हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और अब जब आपको पता चला सिर दर्द हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करोगे क्या? नहीं, आपको रिसर्च किए हुए ही नुस्खे ऑलरेडी पता है। जब आपका सिर दर्द होता है तो कोई क्या कहता है कि बच्चों थोड़ी सी नींद ले लो, सोने से सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई कहेगा बिल्कुल पिंटू, कॉपी सफल लोगों की ही होती है, लेकिन आपको पता ही है कॉपी वाला सिर्फ कॉपी तक ही रह जाएगा, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और अशोक सर के शब्दों में तो आप जानते ही हो कि फादर इज ऑलवेज फादर, हिंदी में इसका आपको पता होगा। अब कोई कहेगा साहब चाय पी लो, कोई कहेगा कि थोड़ा बाहर वॉक करके आ जाओ, हेडेक ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा फला टैबलेट ले लो। तो कुछ लोगों का सिर दर्द नींद लेने से ठीक हो जाता है, कुछ का चाय पीने से, कुछ का वॉक करने से, कुछ का टैबलेट लेने से ही ठीक होगा। और तालिब कह रहा सर नींद तो आएगी ही नहीं, बिल्कुल सही है, जब इतनी स्ट्रेस होगी तो नींद आएगी ही नहीं, तो आपका सिर दर्द ठीक कैसे होगा? तो ये रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। तो आपको कोई कह रहा ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कह रहा ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि जिनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है वही ये सलाह दे रहे हैं, तो ये रिसर्च नहीं है। तो रिसर्च का मतलब सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो करना, और यदि आपने वो प्रोसेस फॉलो किया तो वही रिजल्ट आएगा जो सब जगह आता है। यानी कि रिसर्च इज नॉट सब्जेक्टिव, ये कोई मुझे लगा मेरा सर दर्द ठीक हो गया ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है।
रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव, जिसमें प्रूफ होंगे, वो प्रूफ आपको एविडेंस के तौर पे रखना है कि देखो ऐसा किया तो ऐसा होगा, और वही वही प्रोसेस कहलाता है साइंटिफिक, यानी कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है, अनाड़ी वाला तरीका नहीं है। तो आपको याद रखना है रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड टू आंसर द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जब हमारे सामने प्रॉब्लम आई और हमने रिसर्च करा तो वो तो कहलाएगा एक्शन या अप्लाइड रिसर्च। लेकिन आपने देखा होगा न्यूटन को, न्यूटन न्यूटन बैठा हुआ था और उसके सिर के ऊपर सेव या एप्पल गिरा, और आप न्यूटन बैठा बैठा सोच रहा है कि ये सेव नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो यहां पर आप देखोगे कि उस वक्त न्यूटन के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से वो उस सेव को खा सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसने रिसर्च करा और ढूंढा, और आपने देखा होगा कि ग्रेविटी की खोज हो गई, ग्रेविटी की खोज हो गई। सो न्यूटन ने जो रिसर्च करा वो सिर्फ जानकारी लेने के लिए करा था, नॉलेज बढ़ाने के लिए, और बाद में उस नॉलेज का सिस्टमेटिक तरीका पता चला कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं थ्योरी। दो कंसेप्ट के बीच रिलेशनशिप को हम कहते हैं थ्योरी। तो न्यूटन ने देखा होगा आप ग्रेविटी की थ्योरी दे दी, और इस प्रकार से यहां जो न्यूटन ने रिसर्च किया था वो है बेसिक रिसर्च। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज बढ़ाने के लिए किया गया था। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसको नापा जा सकता दो प्रकार का होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया तो अप्लाइड और एक्शन, और नॉलेज बढ़ाने के लिए और थ्योरी देने के लिए किया तो बेसिक रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर फिक्स मेथड नहीं होते, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसर्च एक प्रोसेस है, रिसर्च एक प्रोसेस है, जैसे हमारा नर्सिंग प्रोसेस है, जैसे हमारा नर्सिंग प्रोसेस है। तो नर्सिंग प्रोसेस में आपने 5 स्टेप पढ़े होंगे, इसी तरीके से रिसर्च एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर 2 चीजें याद रखनी, एक तो आपको याद रखनी फेज। फेज का मतलब क्या है कि एक समय अवधि, समय अवधि, एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स। कैसे? जैसे आप देखो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्फेंसी एक फेज है, इन्फेंसी एक फेज है, उसमें कई माइलस्टोन होते हैं, कई माइलस्टोन होते हैं। तो यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी, 2 चीजें याद रखनी, और उसमें से पहली है फेजेस और फिर दूसरा स्टेप्स, दूसरे हैं स्टेप्स। बच्चों हॉल टिकट की चिंता मत करो, सबको हॉल टिकट मिलेगा, क्लास के बाद आराम से डाउनलोड करना। फिलहाल इस टॉपिक पे फोकस करो, वीडियो को शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। सो अब आपको पूछेंगे कि रिसर्च के अंदर कितनी फेजेस होती है, रिसर्च प्रोसेस में कितनी फेजेस, स्टेप्स नहीं है नर्सिंग एजुकेशन, स्टेप्स जो है 15 से 20 हो सकते हैं, फेजेस 5 होगी, 5 फेजेस, कौन सी, और यही पूरा रिसर्च प्रोसेस है, और बाद में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान लगाइए, नया टॉपिक है, मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन रीजनिंग से तो इजी है, रीजनिंग से तो इजी रहेगा, और सिलेक्शन जो है बच्चों ये इन्हीं टॉपिक्स में से होगा कि जो 4-5 क्वेश्चंस अलग होंगे और आपने वो सारे सही कर दिए तो आपके मेरिट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च की पहली फेज कौन सी है, तो आपको बताना है कंसेप्चुअल फेज। ये रिसर्च करना, आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाकर शॉपिंग करने जैसा ही है, क्या खरीदें, कहां से खरीदें, सस्ता और अच्छा कहां मिलेगा, या फिर अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि आप एक घर बनाना चाहते हो, तो घर बनाना चाहते हो तो आप पहले सोचते हो कि आपका घर कैसे होगा, आपके दिमाग के अंदर एक मेंटल इमेज होती है, आपका घर बेहद सुंदर हो,
बहुत अच्छा बंगला बने आप लोगों के। कई बच्चे लोग कहते हैं ताजमहल जैसा घर हो। अरे बच्चों ताजमहल घर थोड़ी है, ताजमहल तो एक कब्र है और मकबरा है। तो यहां पर बहुत सुंदर घर बनाना है आपको। तो जिस दिन आपने घर बनाने की सोची उस दिन थोड़ी ही बन गया, आपको पहले मेंटल इमेज बनानी है। ऐसे ही जब आप रिसर्च करने की सोचते हैं तो पहले आपको उसके कंसेप्ट बनाने कि आप कौन सी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना चाहते हो, कौन सा मेथड यूज करोगे, कितना आपका बजट है, किस एरिया में आपको घर बनाना है, लोन लेना है तो कितना लोन मिलेगा, बहुत बड़ा आप प्लानिंग करना। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फेजेस सही लिख रहे हो, वेरी गुड। अब यहां कंसेप्चुअल फेज जो है वो बुनियादी फेज है जिसमें आप नींव रखोगे, मेंटल इमेज बनाओगे, कंसेप्ट्स बनाओगे। और कंसेप्चुअल फेज के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, मतलब क्या रिसर्च करना चाहते हो। जैसे आजकल यदि हम देखें तो हम देखना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में लोगों का क्या नॉलेज है, ये असेस करना चाहते हैं, तो आपने ये प्रॉब्लम बना दी और इस प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको एक वर्ड याद रखना, डीलिमिटिंग। डीलिमिटिंग मतलब आप अपना दायरा तय करोगे कि सिर्फ मैं इस एरिया में कोरोना के नॉलेज को ही असेस कर रहा हूं, उसके बाद कम नॉलेज है उनका क्या करें, उसके बाद जिसको नॉलेज नहीं है उनका क्या करें, और नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई काम करूंगा क्या, तो नहीं। आप सिर्फ नॉलेज देख रहे हो, यानी कि सिर्फ असेस कर रहे हो। तो आपने अपना दायरा सेट कर दिया, क्योंकि एक ही रिसर्च में सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, अब आपने प्रॉब्लम्स को फाइनल कर लिया कि ये मेरा रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यदि आप तय करते हो कि एक बार आपको ये घर बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे, जिन्होंने आपके रिश्तेदारों ने रिसेंट घर बनवाया है उनसे रिव्यू लोगे कि भाई कितना खर्चा होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, या फिर किस प्रकार का मेथड यूज करना इकोनॉमिकल रहेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फीडबैक लेंगे, इसको शॉर्ट में ROL कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि बाकी वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, जिससे वो सेम प्रॉब्लम हमें ना आए, हम पहले से ही तैयार रहे, पहले से ही तैयार रहे। और रिव्यू ऑफ नॉलेज लिटरेचर से आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि पत्थर कहां से लाना है, सीमेंट कहां से लानी है, सरिया कहां से लाना है। तो यहां पर आप अपना नॉलेज बढ़ाते हो, जिससे आप वो रिसर्च कर पाओ। रिसर्चर अपनी तैयारियों को फाइनल लेवल पे ले जाता है, पूरी जानकारी जुटाता है। जैसे जैसे कोई आपको कहे कि आपको JINC ऐप पे पढ़ना है, तो आप लोगों का रिव्यू लोगे, पता करोगे कि JINC पे कैसी पढ़ाई हो रही है, जिससे दूसरों का अनुभव आपके काम आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपको जानकारी हो गई, फिर आपने क्या करा, हो सकता है आपने एक दो घर जाकर देखे किस प्रकार से बने हुए हैं, कैसा नक्शा है, फील्ड वर्क जरूरी पड़ा तो फील्ड वर्क। और उसके बाद आपको कंसेप्चुअल डेफिनेशंस, आगे हम देखेंगे कंसेप्ट। लोग कहते हैं कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट यानी कि उसका मीनिंग समझना है आपको कि आपके रिसर्च में इसका मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग्स को आप इंटर रिलेट करोगे कि एक्स होता है तो वाई इतना होता है, वाई होता है तो जेड इतना होता है, यानी कि इन कंसेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं थ्योरी। और जो फ्रेमवर्क इसको ये समझाने का काम करता है, ढांचा, वो कहलाता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको हम कह सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशन का मतलब हम इसको यूज कैसे करेंगे हमारे रिसर्च के अंदर। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हाइपोथेसिस बनाएं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, यहां पर पॉसिबल आउटकम, यानी कि आपने ये जो रिसर्च करा है इसका संभावित रिजल्ट क्या होगा। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो काफी लंबे वक्त से, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में ऑलरेडी इमेज बन चुकी है कि 1 तारीख के एग्जाम का संभावित रिजल्ट क्या रहेगा।
क्या लगता है बच्चों आपको, 1 तारीख के एग्जाम का आपके हिसाब से आपका रिजल्ट क्या रहेगा? यस, आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों ने सोच लिया है कि आप सिलेक्ट होगे, आप में से कितने लोगों ने यह सोच लिया है कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन पक्का है, वो आपका हाइपोथेसिस है। कमेंट करिए जिनका सिलेक्शन होगा, जो लोग कमेंट ही नहीं कर रहे उनको यकीन कम है ऐसा मुझे लगेगा। यस शाबाश, बिल्कुल, यानी ये आपका हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या, संभावित रिजल्ट, या फिर दो वेरिएबल है, ये एक्स और ये वाई, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी करेगा, बदलेगा, रिसर्च की भाषा में वेरिएबल कहलाता है। तो एक वेरिएबल है आपकी स्टडी, आपकी स्टडी, दूसरा वेरिएबल है आपका रिजल्ट। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है स्टडी करना, आपके हाथ में स्टडी करना। तो जब आप स्टडी अच्छी करते हो तो आपके दिमाग में क्या है, रिजल्ट जो संभावित है वो है कि हाँ श्योर सिलेक्शन। लेकिन यदि किसी बच्चे को लग रहा है उसकी तैयारी डाउटफुल है तो वो क्या कहेगा कि सर इस बार तो शायद नहीं, या बॉर्डर पे रह जाऊं। तो यहां पर दो संभावनाएं मुमकिन है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और आप चाहोगे कि 100% आप जिस मकसद के लिए मेहनत कर रहे हो वो मकसद आपको हासिल हो। और हमारा सबका यही प्रयास है, हमारी दुआएं भी है आपके साथ कि आप श्योर सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ, शांत होके बढ़िया बढ़िया आंसर्स देने, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो था हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस क्यों बनाया, क्योंकि गोल पहले बनाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने गोल अचीव करा या नहीं करा। तो हाइपोथेसिस इज प्रेडिक्टेड रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्टेड रिजल्ट है, जिसको हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है यहां पर कि हाइपोथेसिस के बाद क्या करना है। तो पहली फेज जो है वो पूरी हो गई। पहली फेज कौन सी थी, कंसेप्चुअल फेज। अब अपने सब मेंटल प्लानिंग तो कर रखी है, अब जब आपको दूसरी फेज जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है उसको हम कहेंगे डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। जैसे नर्सिंग प्रोसेस में पहली फेज असेसमेंट है, दूसरी फेज डायग्नोसिस है, और फिर हम प्लान करते हैं। तो यहां पर भी आपको याद रखना है सेकंड फेज कौन सी है, तो आपको याद रखना है डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। अब जब आपको पता चला कि डिजाइन एंड प्लानिंग में अपन फाइनल डिजाइन करेंगे कि कैसी डिजाइन का घर बनाएंगे, और डिजाइन में सब कुछ तय हो जाएगा कि किस तरह के दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां कहां होगी, गार्डन कहां होगा, मेन गेट कहां होगा, सब डिजाइन कर लोगे। सो दूसरी फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिजाइन फेज कहते हैं। तो रिसर्च में भी आपको तरीके तय करने हैं कि कौन से तरीके की रिसर्च डिजाइन यूज करोगे, कितने सैंपल्स लोगे, और कहां रिसर्च करोगे, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, वो सब चीजें किसमें आएगी, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। नेक्स्ट, अब जब आपको पूछे तो डिजाइन, सेलेक्टिंग अ रिसर्च डिजाइन, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। अब यहां तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, यानी कि कई रिसर्च डिजाइन है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे, तो आपको कोई एक तय कर लेना है कि मेरा घर इस डिजाइन का होगा, यानी कि मैं ये रास्ता चुनूंगा, तो दैट इज रिसर्च डिजाइन। आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो आपने एक डिजाइन तय कर लिया, मतलब रिसर्च किस प्रकार से करोगे। उसके बाद आपको क्या तय करना है कि यदि कोई आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन रिसर्च हुआ तो उसको हम कहेंगे इंटरवेंशन, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको तय कर लेना है कि ये प्रयोग आप किस तरीके से करोगे। यदि आपका रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो आपको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप देखोगे यहां पर नेक्स्ट
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च में से सैंपल कहां से लोगे, किस जनसंख्या को फायदा होने वाला है आपके रिसर्च से, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन में से हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, आगे हम एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि सैंपलिंग टेक्निक कौन सी होती है, रिसर्च डिजाइन कौन सी होती है। अब आपको पॉपुलेशन तय कर लिया कि आप ये जोधपुर के शहरी इलाकों में रिसर्च करोगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सैंपल सिलेक्ट करना है, तो उसमें सैंपल की साइज भी तय करनी है, कितने लोग लेंगे आप, सैंपल साइज कहलाता है वो, और उन लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, क्या आप रैंडमली लेंगे, किसी को भी मौका देंगे, तो वो होती है रैंडम सैंपलिंग, या फिर क्या आप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को चांस देंगे, तो वो होगी नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो हम पढ़ेंगे आगे सैंपलिंग प्लान। उसके बाद आपने तय कर लिया कि आप सैंपल तो सिलेक्ट कर लिए, सैंपल से हम जो जानकारी लेंगे यानी कि जो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं उसको मेजर कैसे करेंगे, यानी कि डेटा जानकारी लेने का तरीका क्या है, तो हम यहां पे पढ़ेंगे कि डेटा कलेक्शन के मेथड क्या है। अब डेटा कलेक्शन के मेथड्स में हम क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, मेजरमेंट इत्यादि तरीके आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि यहां पर एथिक्स इथिकली करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च के नाम पे किसी के राइट्स को हम उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि कई प्रयोगों के चक्कर में लोगों को नुकसान हो जाते, तो यहां पर सेफ गार्डिंग द ह्यूमन एंड एनिमल राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिकल प्रिंसिपल यानी कि नैतिक तौर पर किसी के साथ गलत नहीं हो, क्योंकि प्रयोग में कई बार अनवांटेड चीजें हो जाती है, दवा का ट्रायल करते हैं उस दवा का साइड इफेक्ट उस आदमी को हो गया जिसपे ये ट्रायल कर रहे थे, और उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ह्यूमन ट्रायल हो तो उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये रिस्क है ये फायदा है, इसको कहते हैं हम सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट। और उसके बाद हम फाइनल कर लेंगे अपना प्लान कि हाँ ये हम करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं एक बार चेक कर लें। तो दूसरी फेज कौन सी थी, दूसरी फेज जो थी वो थी डिजाइन एंड प्लानिंग। अब जब मेन रिसर्च किस फेज में होगा, आपको पूछा जाएगी एक्चुअल रिसर्च किस फेज में होगा, यानी कि रिसर्च जो हमने प्लान बनाया वो इंप्लीमेंट कौन सी फेज में होगा, तो आपको एक नाम याद रखना है, वो है एम्पेरिकल फेज। अब एम्पेरिकल फेज का मतलब क्या, एम्पेरिकल मतलब इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार का, साइंटिफिक तरीके से। सो एम्पेरिकल का मतलब होगा साइंटिफिक, साइंस, और साइंस क्या देखती है, प्रूफ। जैसे आप कहते हो कि ये ऐसा होता है, तो साइंस में ये बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ऐसा होता है, और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो कंसंट्रेट करें, या फिर आप जीएनएम के स्टूडेंट होंगे, या फिर आप नॉन अटेंडिंग बीएससी नर्सेज होंगे जिन्होंने कभी रिसर्च किया ही नहीं होगा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ज्यादा प्रयास करें। वेलकम बशीर फ्रॉम पाकिस्तान, जय जय एनसी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया टू। तो अब जब आपको पता चला कि एक्चुअल रिसर्च किस फेज में होता है, तो आपको बताना है एम्पेरिकल फेज, ये नाम याद रखना है एम्पेरिकल, और एम्पेरिकल का मतलब होता है साइंटिफिक, और साइंटिफिक का मतलब होता है एविडेंस मानी कि प्रूफ। जैसे पुलिस कोर्ट भारत में सिर्फ प्रूफ मानते हैं, तो इसी तरीके से जेएनसी बेस्ट क्यों है, किसी के कहने से नहीं, आप लोग इसके प्रूफ हो कि नहीं, आप लोग प्रूफ, बिल्कुल। वेलकम विकास मान इनटू जेएनसी सपोर्टर, थैंक यू सो मच। अब यहां पर जब आपको पता चला कि जेएनसी बेस्ट क्यों है, तो खुद कहने से नहीं है, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, और कल हमने यहां पर एक हमारी कम्युनिटी के अंदर एक फोटो पेस्ट करा होगा, आपने देखा होगा कि आपका जेएनसी इंडिया के लगभग 30 कंट्रीज में देखा जा रहा, 30 देशों के अंदर, और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा कहां देखा गया था, यस सिरत, वेलकम फ्रॉम कश्मीर,
सबसे ज्यादा इंडिया के बाद कहां देखा गया था, तो आपको बताना यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ओमान के अंदर, फिलीपींस के अंदर, नेपाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और पूरे भारत में ही नहीं, आप लोगों ने पूरी दुनिया में फैला दिया है। और इसी प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो अब जब आपको पता चला यहां पर प्रूफ एविडेंस, यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या सिर्फ प्रूफ माना जाता है रिसर्च के अंदर, यस छाया यू आर द प्रूफ, और जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वो प्रूफ सबको दिखेगा। तो इसी तरीके से यहां रिसर्च में भी हम एविडेंस जनरेट करते हैं, इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि कल जो दवाई मेन दवाई थी, अब उसमें पता चला कि इसका साइड इफेक्ट है, और इस दवाई को आप बंद कर देना चाहिए और नई दवाई को यूज करना चाहिए। तो ये होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो आपको याद रखना है रिसर्च में सिर्फ सबूत चलते हैं। मुझे ऐसा लगा ऐसा हो जाएगा तो वो रिसर्च नहीं है। जिसको साबित किया जा सकता है एम्पिरिकल, जिसको देखा जा सकता है, जिसका असर नापा जा सकता है, वो है रिसर्च। अब आपको याद रखना है एक्चुअल फेज तो पता चल गया एम्पिरिकल, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पूरे रिसर्च प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम किस फेज में लगेगा, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा टाइम किस फेज में लगता है, तो आपको याद रखना है एम्पिरिकल फेज में, क्योंकि एक्चुअल डेटा कलेक्ट इसी फेज में होगा, और एक्चुअल डेटा कलेक्शन एम्पिरिकल फेज में होगा। थैंक यू गोविंद टाक फॉर डोनेटिंग ₹39, और उसने बढ़िया कैप्शन भी लिखा है बिहाइंड द सीन्स। जैसे मैं आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, थैंक यू सो मच। तो अब आपको पता चला कि एक्चुअल फेज में हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा जानकारी जो हम कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं डेटा, रिसर्च की भाषा में डेटा। और उसके बाद यस ममता, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे पसंद आया ये लाइन कि 2020 में कोरोना के बाद JINC पेंडेमिक हो गया है। क्या बात है, यानी कि कोरोना आया दुनिया भर में, और अब दूसरी चीज जो दुनिया भर में है वो है JINC। कोरोना को तो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि JINC को फैलने से कोई रोकेगा नहीं। आप लोग फैलाते रहना इसको, बिल्कुल सही। अब एम्पिरिकल फेज के अंदर हम डेटा यानी कि जानकारी कलेक्ट करेंगे, और उस जानकारी जो है वो एक रॉ डेटा है। रॉ डेटा का कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे आप एग्जाम के बाद जाके घर पे कहते हो, क्या कहोगे कि मुझे 200 में से 110 नंबर आए, हालांकि आप लोगों के 200 में से 150 से ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। और लेकिन यदि आप कहते हो कि मुझे 150 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, तो ये एक डेटा है। इस इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको क्या बताना है। अरे लोग पूछेंगे भाई 150 नंबर आए ये तो ठीक है, सिलेक्ट हुआ कि नहीं। मेन बात क्या है, सिलेक्ट हुआ कि नहीं। तो आप कहोगे ओ ये तो मैं बताना भूल गया कि 150 मार्क्स आए, सिलेक्ट हो गया हूं, और मुझे एम्स जोधपुर मिल भी गया है। तो ये हुई कंप्लीट जानकारी, बिल्कुल। और आप लोग JINC को इसी तरह से फैलाते रहिए। एक्चुअली बैकबोन तो आप लोग हो हमारे, बिल्कुल हनुमान दास आप सही कह रहे हो। कम्युनिकेबल कर दोगे JINC को, कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए ऐसा कर दो। ये जो डिसलाइक वाले हैं वो भी निराश होकर लाइक करने लग जाए, बिल्कुल। और अब जब आपको पता चला कि डेटा एनालिसिस मतलब उसकी विवेचना करना कि एग्जाम के बाद अपन कहां है, क्या गलत किया, क्या सही किया, और ज्यादा नंबर कहां आ सकते थे, तो डेटा एनालिसिस अगली फेज में होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, प्रिपेयरिंग फॉर डेटा एनालिसिस, यानी कि हम सिर्फ डेटा एनालिसिस का प्लान कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस इस फेज में नहीं कर रहे, एनालिसिस का
प्लान कर रहे हैं, तो आपको पूछा जाए कि डेटा एनालिसिस कौन सी फेज में होगा, तो वो नेक्स्ट फेज है, फोर्थ फेज को हम कहते हैं एनालिटिक फेज। एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, तो हम पहले जो भी डेटा है उसको हम टेबल में डालेंगे, टेबल, और इसको हम कहते हैं टेबुलेशन, टेबुलेशन, टेबल बनाना, टेबुलेशन। और उससे पहले क्या करेंगे हम, कोडिंग, कोडिंग। जैसे एम्स क्या करेगा इस एग्जाम के बाद, अब मान लो ऐसी उम्मीद है कि लगभग 1.5 लाख लोग एग्जाम देंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है, 1.5 लाख लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम रिजल्ट आएगा, तो एम्स क्या करेगा, एक रोल नंबर से लगा के लास्ट वाले रोल नंबर तक के मार्क्स की लिस्ट बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, लिस्ट बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग। कोडिंग कैसे, जैसे आपने एक क्वेश्चन को सही करा तो मान लो आपको जो मार्क्स मिले, सपोज एक मार्क मिला, और आपने गलत करा तो आपको माइनस हो गया 0.25 माइनस मार्किंग हो गई, तो यह है कोडिंग, यह है कोडिंग। फिर ये टेबल, सारे लोगों का रिजल्ट एक ही शीट में जो पीडीएफ आएगा वो क्या कहलाएगा, टेबल, लेकिन सब लोगों का रिजल्ट है उसमें, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, मास्टर टेबल। कौन सी टेबल, मास्टर टेबल, और मास्टर टेबल, तो यह मास्टर टेबल क्या है, तो आपको बताना सारी जानकारियां एक ही टेबल के अंदर। फिर आपकी खुद की मार्कशीट आएगी, एक व्यक्ति की जो खुद की मार्कशीट आती है वो इंडिविजुअल टेबल कहलाती है, इंडिविजुअल टेबल। क्या बात है काजल, आपने बड़ा सटीक आंकड़ा दिया है, 1,48,600 फॉर्म्स फिल हो गए हैं, क्या बात है, और मैंने बताया था 1.5 लाख, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत जानकारी रखते हैं, और 4,000 सीटें हैं, उसमें से 3,500 से ज्यादा तो JINCN ही होंगे, होंगे कि नहीं बच्चों, 4,000 सीटों से ज्यादा सीटों में 3,500 तो JINCN ही होंगे, बाकियों पे अपन थोड़ी दया कर देते, बाकियों पे अपन थोड़ी दया कर देते, कुछ सीट वो भी ले ले तो अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब एनालिसिस के अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज लगाएंगे, कुछ टेस्ट पढ़ेंगे आगे, टाइम परमिट किया तो, और यहां एनालिटिक फेज। अब एनालिसिस किया तो अपने को पता चला कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट क्या है, जब अपने को रिजल्ट पता चल गया, यानी कि रिसर्च का रिजल्ट किस फेज में आएगा, तो आपको याद रखना है एनालिटिक फेज। और इसके बाद लास्ट वाली फेज कौन सी है, चार फेजेस तो हो गए, अब लास्ट वाली फेज में रिजल्ट आ गया तो आप अपने रिजल्ट को जेब में रख के बैठ जाओगे क्या, किसी को बनाएंगे ही बताएंगे ही नहीं कि रिजल्ट क्या आया। अब आपको पूछे तो लास्ट फेज में रिजल्ट को इंटरप्रेट करा, उसमें से मीनिंग निकाली, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसेमिनेशन। लास्ट फेज क्या है, तो आपको बताना है डिसेमिनेशन। और अब बिल्कुल तुलसीराम, बढ़िया लाइनें लिखी है आपने, अब कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, 4,000 की 4,000 सीटें ले लेंगे, बीरबल कह रहा है JNC के अंदर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लास्ट फेज जो है वो इवेल्युएशन नहीं होगा सविता, बिल्कुल पार्टी होगी अंजलि, जबरदस्त पार्टी होगी आप लोगों के सिलेक्शन की। डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब फैला देना, डिसेमिनेशन का मतलब फैला देना, और डिसेमिनेशन का मतलब फैला देना, और हम डिसेमिनेशन का मतलब आग की तरह फैला देना, और हम JINCN को आप लोगों ने आग की तरह फैला दिया है, क्योंकि जब आपको पता चला कि JINCN के अंदर क्या क्या गुड थिंग्स है, तो क्या आप चुप बैठोगे, नहीं, तुरंत फैलाना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि आउटकम क्या है आपके इस फ्री क्रैश कोर्स का, और इसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन के अंदर आएगा कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग। यदि न्यूटन ये बताता ही नहीं सेव नीचे गिरी हो, चुपचाप खा लेता, तो क्या हमें ये थ्योरी मिलती, बिल्कुल नहीं। अब जब आपको पता चला कि यहां पर रिसर्च फाइंडिंग कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है, तो हम रिसर्च जर्नल के अंदर आर्टिकल्स देखते हैं, जर्नल्स के अंदर साइंटिफिक आर्टिकल, इसके अलावा रिसर्च का जो
मेन थीसिस लिखा जाता है उसको हम कहते हैं थीसिस, रिसर्च की जो रिजल्ट लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं थीसिस। और थीसिस के लिए एक दूसरा शब्द है जिसको हम कहते हैं डेजर्टेशन। डेजर्टेशन कई लोगों के लिए शब्द नए हो सकते हैं। अब डिसेमिनेशन, जिसमें आपने कम्युनिकेट कर दिया अखबार में, मैगजीन में, जर्नल में, ऑनलाइन, बिल्कुल। अब जब आपको पता चला तो लास्ट में आपको पूछा जाए कि रिसर्च का लास्ट पर्पज क्या, तो कम्युनिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग इस जानकारी का यूज करें। जो प्रूफ आप लोगों ने रिसर्च से जनरेट करा है कि ये वाली दवा हाइपरटेंशन के लिए बेहतर दवा है, तो वो मार्केट में लोग प्रैक्टिस करें, डॉक्टर वो दवा लिखे, यानी कि लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप ये हालांकि रिसर्चर के हाथ में नहीं है, रिसर्चर तो सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज करें एग्जाम के अंदर, सही आंसर्स दें, बढ़िया नंबर लाएं, तो आपके हाथ में क्या है, यूटिलाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, तो रिसर्चर की हाथ में नहीं है, फिर भी वो है यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग। और इसीलिए रिसर्च की वजह से ही प्रैक्टिस चेंज होती है, कल जो चीज थी वो आज आउटडेटेड हो जाती है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है रिसर्च। सो ये पांच फेजेस थी, पहली फेज थी कंसेप्चुअल फेज, उसके बाद दूसरी फेज थी डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, और उसके बाद तीसरी फेज थी एम्पेरिकल, चौथी एनालिटिक, पांचवी डिसेमिनेशन। इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहां से, आपको याद रख लेना है। मैं चाहता हूं जो 900 से 1000 बच्चे देख रहे हैं तो सिलेक्शन में ये क्वेश्चंस आपके जरूर काम आए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, क्योंकि रिसर्च के अंदर हम लॉजिक यूज करते हैं, और अक्सर हम कहते हैं कि जेएनसी के अंदर सिर्फ लॉजिक चलता है, लॉजिक। और ओ ग्रेट हनुमान दास, यू आर डूइंग ए गुड रिसर्च, नाउ ऑर्गन डोनेशन इज द नीड ऑफ टाइम। सो यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीजनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है डिडक्टिव और एक होती है इंडक्टिव। तो आपको यहां पे आंसर देना है क्या, कि प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ प्रीमाइसेस, फटाफट से बताओ। यहां पर दो ही ऑप्शंस है, या तो डिडक्टिव होगी या इंडक्टिव होगी। यस, ज्यादातर लोग इंडक्टिव लिख रहे हैं, इंडक्टिव लिख रहे हैं बी, नहीं वो डिडक्टिव है बी, तो ज्यादातर लोग डिडक्टिव लिख रहे हैं बी, कुछ लोग इंडक्टिव भी लिख रहे हैं जो कि सी है। बी और सी में आप कंफ्यूज हो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कैसे। लास्ट में एक्चुअली आपको करना क्या है कि आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि आप जनरल बात पे थे, कंक्लूड कर रहे हो उसको, शॉर्ट में समराइज कर रहे हो, यानी आप जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हो, जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हो। एक्चुअली जो शुरू में स्पेसिफिक लिखा हुआ दिख रहा है, इससे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात आएगी, कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो, लिखा है प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन, ये स्पेसिफिक आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमाइसेस। सेट ऑफ प्रीमाइसेस मतलब कुछ बातों में से आपको कंक्लूजन करना है, यानी कि आपको कम करते रहना है, जनरल बातें थी, यू हैव टू रिड्यूस, कम करते करते आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचना है। जब रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं मतलब डिडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल डिडक्टिव रीजनिंग इज द आंसर। यहां सिर्फ जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, उदाहरण में क्या पूछा जा रहा है वो समझने की कोशिश करनी, यानी कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग को हम दो प्रकार से देखते हैं, एक होती है डिडक्टिव, डिडक्टिव का मतलब जनरल स्टेटमेंट,
जो एक बड़ी बात कही हुई होती है उससे एक छोटी मेन मुख्य मुद्दे की बात पे आते हैं हम, मुद्दे की बात। तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे आप अपने पापा से पैसे मांग रहे हो तो आप कह रहे पापा महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत हो रहे, तो पापा कह रहे भाई मेन पॉइंट बता कितने पैसे चाहिए, तो तुम कह रहे हो इस बार 5,000 से बात बनेगी नहीं 10,000 दो, तो आप सीधा नहीं कह सकते थे, इसलिए बात को थोड़ा इनडायरेक्टली कहना। तो जनरल पॉइंट से शुरू किया और स्पेसिफिक बात पे आए तो ये क्या कहलाएगा, डिडक्टिव, डिडक्टिव। और इसका उल्टा क्या है, जहां आप ऐड करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, और एक तिल और उस तिल का ताड़ बना देते, तो ये कहलाता है नमक मिर्ची लगा के बताना। और बिल्कुल ट्विंकल आपका जवाब सही है। अब जब हमको पता चला कि एक उदाहरण लिखा हुआ आ सकता है ऐसा, जैसे ऑल ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस लॉस, सभी इंसानों को कुछ चीज खोने पर दुख होता है, ऑल इन्फेंट्स आर ह्यूमन बीइंग, हर कोई छोटा बच्चा इन्फेंट जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए इन्फेंट ऑल्सो विल एक्सपीरियंस लॉस, बच्चे को भी दुख होगा व्हेन द मदर इज एब्सेंट, जब हॉस्पिटलाइज इन्फेंट की मम्मी पास में नहीं होती है तो उसको दुख होता है। बिल्कुल, थैंक यू मीना फॉर अप्रिशिएटिंग एग्जाम्पल्स, थैंक यू सो मच। अब यहां पर अब आपको पता चला कि बच्चा एक जनरल बात से शुरू कर रहे थे अपन और मेन पॉइंट पे आए, और वो कहलाता है डिडक्टिव, इंडक्टिव। रिसर्च में हम कहां यूज करते हैं इंडक्टिव, वो होगी स्पेसिफिक टू जनरल। कैसे, हमने मान लो 100 सैंपल लिए और उन 100 सैंपल्स की ये प्रॉब्लम थी, तो हम कहते हैं कि उनके जैसे बाकी के भी जो 1,000 या 2,000 या 10,000 लोग हैं उन पे भी यही लागू होता है। जैसे क्लास में हमारे बच्चे बढ़िया आंसर देते हैं, तो वो कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने आंसर दिया, और फिर हम कह देते हैं शाबाश बच्चों हमारी क्लास बहुत होशियार है, यानी कि हमने क्या करा, स्पेसिफिक टू जनरलाइज कर दिया, ये कुछ बच्चे होशियार है इसलिए बाकी वाले भी होशियार है, सारे बच्चे होशियार है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव। यानी कि रिसर्च की फाइंडिंग को हम जनरलाइज करते हैं, क्या करते हैं जनरलाइज, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यानी कि हम कुछ सैंपल से जो जानकारी जुटाएंगे वो बाकी पॉपुलेशन पे भी लागू कर देते हैं, और इसको कहते हैं जनरलाइजेशन, और ये है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपको पूछा जाए रिसर्च पॉपुलेशन पे सैंपल्स वाली फाइंडिंग लागू करने के लिए जो रीजनिंग यूज की जाती है वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, बहुत ही आसान। अब आगे देखिए, यहां पर जैसे हम एक बात को लिखे हैं कि हेडेक इज अल्टरनेट लेवल ऑफ हेल्थ, सिरदर्द होना भी एक छोटी बीमारी जैसा ही है, और इट इज स्ट्रेसफुल, क्योंकि जब हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो स्ट्रेस होती है, यानी आप कह सकते हो कि अल्टरनेट लेवल ऑफ हेल्थ, चाहे हेडेक की वजह पेट दर्द की वजह से भी हुआ तो वो भी स्ट्रेसफुल ही होगा, सो दैट इज इंडक्टिव। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिकल का मतलब क्या है, तो एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, सबूत मतलब जो देखा जा सकता है, देखा जा सकता मतलब जो ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो। जब आपको पूछे कि भगवान है या नहीं तो आप कहोगे कि है, क्योंकि अब तो एग्जाम है परसों, भगवान भरोसे ही है अपने नहीं या। अब जब आप कहें कि भगवान को आपने देखा है, तो आपको देखा तो नहीं है, फोटो देखी है, तो फोटो वाले ही रियल भगवान है कि हमको पता नहीं, पर भगवान जरूर है और वो हमारी हर सेंस में हेल्प कर रहे हैं। जो भी आप भगवान को मुहूर्त देते हो, जिस नाम से पुकारते हो, वो ऊपर वाला हमारे लिए जरूर मौजूद है। तो आपको याद रखना है जो एविडेंस, जो सबूत, जो देखा जा सकता, यानी कि जो सुना जा सकता, जिसको टच से महसूस किया जा सकता, जिसको टेस्ट किया जा सकता, जिसको स्मेल किया जा सकता, वही सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च, इसके बियॉन्ड नहीं। हमारे कोर्ट की तरह कि जो देखा नहीं जा सकता वो साबित नहीं होगा। और यहां पर भी आपको याद रखना, कुछ और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, फटाफट से आंसर दो। अ कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज, जैसे जेंडर, सैंपल्स में से कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, या फिर एजुकेशन, सैंपल में से कुछ लोग 10वीं पास, कुछ लोग 12वीं पास, कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे,
यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या वैल्यूज ले सकते हैं, या वेट या हाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे सैंपल्स के अंदर, और इसको कहते हैं हम वेरिएबल। रिसर्च की भाषा में इसको कहते हैं वेरिएबल। और आपको पता चल गया है कि वेरिएबल दैट वेरीज, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आगे हम पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेरिएबल में से जो दो मेन वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। तो यहां तो यही है वेरिएबल आंसर। नेक्स्ट देखिए कि आंसर आपको ढूंढना है डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल में से, कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी कॉज ऑफ ए चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो एक है कॉज और एक है इफेक्ट। जैसे अपन पढ़ते हैं कि टोबैको खाने से कैंसर होता है, तो कैंसर तो इफेक्ट है और इसका कॉज क्या है, टोबैको। तो अब आपको क्या पूछा है, जो कॉज है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है? फटाफट से कमेंट करिए, इनडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। कुछ बच्चे कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो लोग बी लिख रहे हैं, कॉज कैसे डिपेंडेंट होगा, गलत होगा आंसर आपका। सत्यवान हनुमान दास, कॉज डिपेंडेंट कैसे होगा? बिल्कुल संगीता, आपका जवाब सही है, बी गलत आंसर है बच्चों, बी गलत है। अनन्या, यू आर राइट। विजय कुमार इज ऑल्सो राइट। यस अर्पिता, यू आर राइट। आई एम जेएनसी स्टूडेंट प्रिया वाजपेयी, यू आर राइट। बिल्कुल, अब आपके समझ में आने लगी है बात, अब मुझे सी ही सी नजर आ रहा है। अरे बहुत ही कॉमन है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे देखो, अब कोई व्यक्ति टोबैको इस्तेमाल करेगा तो कैंसर होगा ना, तो वो कॉज जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, कॉज जो है वो इंडिपेंडेंट है, और उस कॉज पे डिपेंडेंट कौन है कि कितनी सिगरेट पिएगा, कितना तंबाकू खाएगा तब कैंसर होगा, कितने साल बाद होगा, तो डिपेंडेंट कौन होगा, डिपेंडेंट कौन होगा, डिपेंडेंट हमेशा इफेक्ट होगा। जैसे जैसे आप स्टडी करते हो और आपका रिजल्ट, ये दो चीजें, तो कॉज क्या है, आपके सिलेक्शन, रिजल्ट में आपका सिलेक्शन किस बात पे निर्भर करेगा, कि मेहनत स्टडी ज्यादा होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा ना, यदि मेहनत कम होगी तो रिजल्ट कमजोर रह सकता है। इसीलिए आपको याद रखना है कॉज यानी कि स्टडी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एंड इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉज, इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉज। सो कॉज इंडिपेंडेंट, एक बार फिर कहो मेरे साथ, कॉज इंडिपेंडेंट और इफेक्ट डिपेंडेंट। अरे हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चे, अक्सर मैं कहता हूं एडवर्टाइज आ रहा है हॉर्लिक्स बॉर्नविटा और बहुत सारे। अब जब आपको पता चला कि जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट होगा और हाइट बढ़ेगी बच्चे की, वो हॉर्लिक्स पिएगा, कॉम्प्लान पिएगा, बॉर्नविटा पिएगा, तो हाइट बढ़ेगी, तो ये हाइट बढ़ना किस पर निर्भर करेगा, उसने कितना कॉम्प्लान पिया। और यहां पर आपको याद रखना है कि कॉज इज इंडिपेंडेंट और इफेक्ट इज डिपेंडेंट। कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद, कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल गीता, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो स्मोकिंग एक कॉज है यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट क्या है उस पर कि लंग कैंसर होगा या नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया, मेरे को पता चल गया है। आगे देखते हैं, यहां पर दो चीजें मैं बता देता हूं, वेरिएबल जो डिफर करेगा उसको हम कहेंगे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज है, जैसे हमने एक नर्सिंग केयर दी और उसके बाद पेन कम होगा या नहीं होगा, या कोई मसाज दी
या कोई डाइट दी, उसके बाद वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारे इंटरवेंशन जो इंटरवेंशन हम करने वाले हैं या नर्सिंग केयर जो हम देने वाले हैं, आपको पूछा जाए ये क्या है, ये तो कॉज है, इसका इफेक्ट क्या होगा पेशेंट को, जो फायदा होगा या नहीं होगा, तो कोई भी नर्सिंग केयर वो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट क्या होगा, पेन कम हुआ या नहीं, पेशेंट का वजन बढ़ा या नहीं, दर्द कम हुआ या नहीं इत्यादि। सो इफेक्ट के अंदर, अब जब आपने देखा इफेक्ट के अंदर जो वेरिएबल आएगा, जो नतीजा होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू चेतना सक्सेना फॉर डोनेटिंग रुपीज 151। चेतना सक्सेना ने 151 रुपए जेएनसी स्टूडेंट वेलफेयर फंड में दिया है, थैंक यू सो मच। अब जब आपको पता चला यहां पर कि वेरिएबल तो क्लियर हो गया, अब प्रोसेस, एक होता है रिसर्च का जो थीसिस, उस थीसिस के अंदर भी टिपिकली 5 से 6 चैप्टर यूज किए जाते हैं। बिल्कुल गोविंद, अपने यहां सेमिनार रिसर्च की पहले से ही होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे दूर दराज इंटरनेशनल ऑडियंस को भी पता चले कि नर्सिंग एग्जाम्स में आने वाले रिसर्च को कैसे कवर करें। तो यहां पर चैप्टर वाइज यदि हम देखें तो आपको याद रखना है, रिसर्च पार्टिसिपेंट आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन विच सेक्शन ऑफ रिसर्च प्लान। तो यहां पर रिसर्च प्लान में हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं, इसको कहते हैं आई एम रेड। आपको याद रखना IMRAD, आई एम रेड फॉर्मेट यूज किया जाता है। ये रिसर्च रिपोर्ट लिखते टाइम, ये रिसर्च का जो जर्नल आर्टिकल लिखते हैं हम, उसमें फॉलो करते हैं। तो रिसर्च जैसे बुक में होते हैं चैप्टर्स, वैसे भी थीसिस और डिसर्टेशन में भी चैप्टर्स होंगे। तो इंट्रोडक्शन, फिर होता है मेथडोलॉजी या मेथड्स, डेटा एनालिसिस या रिजल्ट, और फिर होता है समरी एंड डिस्कशन। तो इसमें से आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे। जो लोग सी लिख रहे हैं वो तो गलत है, सी जो आंसर सी दे रहे हैं वो गलत है, सी नहीं होगा, सी गलत है। रितु कुमारी आपका जवाब सही है, सी गलत है, निशा ब्लॉक नहीं करेंगे हम। सी गलत है, ए भी गलत है, भारती ए भी गलत है, कोमल डी भी गलत है, तो फिर बचा क्या, यस। अभी तक आप कंफ्यूज हो, जो लोग बी लिख रहे हैं वो सही है, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं मेथडोलॉजी और मेथड्स एंड मटेरियल। तो आपको याद रखना है किसी भी बुक में शुरुआत में क्या होता है, आई से इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा। इंट्रोडक्शन में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, हाइपोथेसिस लिख देंगे, और प्रॉब्लम की नीड और बैकग्राउंड लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा, आई एम रेड, मैंने बताया था एम से हम लिखेंगे मेथड्स एंड मटेरियल। तो मेथडोलॉजी इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बाद कुछ लोग दूसरा चैप्टर लिखते हैं वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पर वो इंट्रोडक्शन का पार्ट ही है। अब मेथडोलॉजी के अंदर अपन पूरा डिजाइन वाला लिखेंगे, जो कुछ भी डिजाइन में हमने पढ़ा कि रिसर्च की डिजाइन कौन सी होगी, सैंपल कितने होंगे, पॉपुलेशन कौन होगा, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, सैंपल कहां से सिलेक्ट करेंगे, पायलट स्टडी कब होगी, टूल कैसे बनाएंगे, टूल की वैलिडिटी कैसे करवाएंगे, रिलायबिलिटी कैसे करवाएंगे, वो सारी चीज। ट्विंकल वेट करो, डिस्कशन कैसे आएगा आगे बताऊंगा ना। अब मेथडोलॉजी के अंदर आपने ये बता दिया, उसके बाद क्या हुआ, आई एम रेड, आर से क्या हुआ, रिजल्ट कैसे पता चला हमको, रिजल्ट से तो हमें पता चला कि हमने एनालिसिस किया था, डेटा एनालिसिस के अंदर रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हमने टेबल ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया। अब प्रेजेंट करने के बाद आई एम रेड, रेड का जो नेक्स्ट ए है वो तो सिर्फ एंड है, एंड के लिए, और उसके बाद क्या आएगा, डी, सो डी इज फॉर डिस्कशन,
डी इज फॉर डिस्कशन। डिस्कशन में तो हम समरी को डिस्कस करते हैं, समरी एंड डिस्कशन। जैसे आप एग्जाम देके आओगे तो एग्जाम तो देके आ चुके हो ना, अब क्या डिस्कस कर रहे हो? अरे यार ये सब्जेक्ट में से तो आया ही नहीं, ये सवाल तो पिछले एग्जाम में आ ही गया था, अरे मेरे ये तो गलत हो गया, ये तो जेएनसी में पढ़ाया गया था और पेपर इतना इजी था। तो यहां डिस्कशन जो है वो लास्ट में होता है कि आपके रिसर्च की फाइंडिंग कितने दूसरे रिसर्च के फाइंडिंग के सिमिलर है और क्या चीजें डिफरेंट है, क्या नई चीजें हैं, वो होता है डिस्कशन। वो क्या होगा? डिस्कशन। ये तो लास्ट होगा, ये लास्ट होगा। सो आपको याद रखना है ए इज फॉर एंड ओनली, ए इज फॉर एंड। तो आपको याद रखना आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथोडोलॉजी, आर से रिजल्ट एंड एनालिसिस, एंड ए से सिर्फ एंड है ये, और डी से डिस्कशन। डी से डिस्कशन। रश्मिता साहू ए इज फॉर जस्ट एंड। ओके, अब आई एम रेड इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी रिजल्ट एंड डिस्कशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन। अब आगे देखते हैं, यहां पर बहुत क्वेश्चन आते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से। फटाफट से आंसर दीजिए। अ कट ऑफ पॉइंट बियॉन्ड विच द रिसर्चर डज नॉट इंटेंड टू प्रॉब विच इंक्लूड दोज रेस्ट्रिक्शन द रिसर्चर प्लेस्ड इन द स्टडी प्रायर टू गैदरिंग ऑफ द डेटा। पार्टिसिपेंट इज सैंपल ओनली, श्रुति विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। यस रणवीर, जेएनसी है तो मुमकिन है, आंसर दीजिए। पार्टिसिपेंट और सैंपल इज सेम, यस। सबसे पहले आंसर दिया है राजकुमार ने, लेकिन ये गलत आंसर है राजकुमार। थैंक यू सो मच ऋत्विका सिंह फॉर अप्रिशिएटिंग। यस महिमा टॉक, आपका जवाब सही है। वर्षा यू आर राइट। रमेश कुमार बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। प्रियंका डी होगा ही नहीं। आई एम जेएनसी स्टूडेंट प्रिया, यू आर राइट। शिंबू दयाल आप सी लिख रहे हो जो कि गलत है। निशा चौहान का जवाब सही है, बिल्कुल डी लिमिटेशन। सो यहां पर आपको दो वर्ड है, डी लिमिटेशन एंड लिमिटेशन। ये कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आपको दो ही शब्द याद रखना, एक होता है लिमिटेशन और एक होता है डी लिमिटेशन। कैसे देखिए, लिमिटेशन, लिमिटेशन जैसे अपन कहते हैं कि भगवान ने अपने को कुछ सामर्थ्य दिया है। जैसे मान लो किसी एक आदमी को हाथ नहीं दिया और उसका हैंड काम नहीं कर रहा किसी कारणवश से, दुर्भाग्य से, और वो पर्सन हैंडीकैप है, तो वो तो उसकी शारीरिक लिमिटेशन है, वो उसकी शारीरिक लिमिटेशन है जो उसके हाथ में नहीं, उसके हाथ में नहीं है। एक दूसरा पॉइंट देखिए, एक आदमी ने तय कर लिया कि मैं तो मैथ और रीजनिंग पढ़ूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये 20 मार्क के क्वेश्चन है, मैं तो 180 में से ही सिलेक्ट हो जाऊंगा, 180 में से ही सिलेक्ट हो जाऊंगा। यानी कि एक दायरा है जो इसने खुद तय करा कि मैं मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ूंगा। या फिर कुछ लोग तय कर लेते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा, रिसर्च नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आया तो छोड़ दूंगा। यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिसर्चर ने भी अपना दायरा तय कर लिया कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ये उसने स्टडी करने से पहले ही तय कर लिया। तो आपको याद रखना है, सविता सैन सही आंसर है आपका, कि जो बाउंड्रीज रिसर्चर ने पहले से ही तय कर लिया कि मैं इतना ही पता करूंगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, तो हमने लिमिट सेट कर रखी है। जो रिसर्चर लिमिट सेट करता है वो होता है डीलिमिटेशन। अब आप अपना बेस्ट देते हो, आप एग्जाम में बेस्ट देते हो, लेकिन आपके रिसर्च के सवाल गलत हो गए। आपने अटेंड करा, बेस्ट दिया, लेकिन आपके रिसर्च के सवाल गलत हो गए। यानी कि आपने बेस्ट कोशिश करी रिसर्च करने की, फिर भी कुछ कमियां रह गई। आपके बेस्ट प्रयास के बाद जो कमियां रह गई और वो आपको पता चल गई,
तो आप दूसरों को बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि यार मेरे इसमें ये कमी रह गई है, आगे से कोई ऐसा रिसर्च करे तो वो इसका ध्यान रखे जिससे उसके रिसर्च में ये कमी ना रहे। तो आपको याद रखना है दैट इज लिमिटेशन। हमारे बेस्ट अटेम्प्ट के बाद भी, हमारे बेस्ट अटेम्प्ट के बाद भी जो हमारी वीकनेस रह गई है, जो हमारी कमजोरी रह गई है, जो हम नहीं कर सके, करना चाहते थे पर नहीं कर सके, वो होगा लिमिटेशन। यस, तो आपको याद रखना है जो जानबूझ के लिमिट बाउंड्री सेट की है उसके आगे नहीं जाना है, वो तो है डीलिमिटेशन। और बेस्ट प्रयास के बाद भी जो कमी रह गई है वो है लिमिटेशन। डीलिमिटेशन हम पहले ही स्पेसिफाई करते हैं। बी क्यों नहीं होगा, कौन पूछ रहा है? बी ही तो है आंसर। लिमिटेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिमिटेशन आपके बेस्ट अटेम्प्ट के बाद जो कमी रह गई है वो, और आपने जो दायरा तय कर दिया है आप इतना ही ढूंढोगे, वो है डीलिमिटेशन। नेक्स्ट देखिए यहां पर डेटा मतलब पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन, हाइपोथेसिस मींस एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमने देखा कॉज और ये इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है, प्रेडिक्टेड मतलब संभावित, कि संभावित आउटकम क्या हो सकता है रिसर्च का, उसको कहते हैं हम हाइपोथेसिस। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप, हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज देंगे यहां पर। लिमिटेशन मींस वीकनेस, इसको आप वीकनेस कह सकते हो। और इसके बाद एक वर्ड आता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब जो आपका रिसर्च स्टडी है, रिसर्च स्टडी जो है उसको हम लिखते हैं एक साइंटिफिक भाषा में, उसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे स्टडी टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड हाइजीन इन प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज, तो इसमें आपके जो वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स का, आपके वेरिएबल्स का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है आपके शब्दों में। ऑपरेशन मींस यूज, आपके शब्दों में उन्होंने कैसे यूज करा, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। यस, अब जब आपको कुछ और वर्ड्स याद रखना है यहां पर, जैसे कुछ लोग अजम्पशन पूछ रहे हैं, अर्पिता आई विल कम टू अजम्पशन ऑल्सो। अब यहां पर एक थ्योरी, जैसे लोग कह रहे हैं ना ये थ्योरी दे दी रिलेटिविटी की, एप्पल गिरा और उसका गिरने में ग्रेविटी का क्या योगदान है, न्यूटन ने एक थ्योरी दे दी। तो ये कंसेप्ट कि एप्पल का गिरना किस तरीके से नीचे की तरफ आना समझाया गया, यानी कि कंसेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको सिस्टमैटिक तरीके से समझाया, तो आपको याद रखना दिस इज कॉल्ड एज थियरी। अब इसके अलावा एक टर्म आएगा एविडेंस, दैट मीन्स साइंटिफिक। और रिसर्च में हमेशा क्रिटिक होती है। क्रिटिक का मतलब क्या, आलोचना। आपने सुना होगा निंदक नीरे राखिए, क्यों? क्योंकि क्रिटिक ही आपको बताता है कि आपको इंप्रूव कहां करना, लेकिन वो अनबायस्ड होना चाहिए। बायस्ड का मतलब क्या, किसी धारणा से कुंठित। अनबायस्ड का मतलब क्या, कि एकदम सही तरीके से जज करना, ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो देखा जा सकता है वो तरीका, उसमें किसी प्रकार का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। और क्रिटिकल रिव्यू, और रिव्यू में अच्छा है या बुरा है ये नहीं बताना है, क्या क्या अच्छा है, इसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या अच्छी चीजें हैं और क्या वीकनेस है वो बताना, तभी हम इंप्रूव करेंगे। अब एविडेंस इज अ साइंटिफिक मेथड। अजम्पशन क्या है, आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं। अजम्पशन, हाइपोथेसिस नहीं हो तो हम अज्यूम करते हैं। अजम्पशंस आर फैक्ट विदाउट प्रूफ, फैक्ट विदाउट प्रूफ। वो फैक्ट जो प्रूव नहीं करना है हमें, जैसे आप कह रहे हैं कि हॉल टिकट आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ाई इसीलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हॉल टिकट टाइम पे आएगा या नहीं आएगा। टाइम पे आया तो ठीक, लेट भी हो गया तो भी हम तो पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप याद रखना है अजम्पशन, जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो आपको याद रखना है एग्जाम सेंटर पे तो आप टाइम से पहले जाते हो कि बारिश हो गया तो क्या, गाड़ी लेट हो गई तो क्या, ये आप अज्यूम करते हो। लेकिन फैक्ट विदाउट प्रूफ मानेंगे इनको, लेकिन हम एग्जाम देने इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि आप टाइम से पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ये आपको साबित नहीं करना है। लेकिन आप अपनी तैयारी इसी को ध्यान में रखते हुए करते हो, अदर नेम ऑफ हाइपोथेसिस नहीं है योजना,
ये फालतू के टीचर इस तरह का उदाहरण बताते हैं, हाइपोथेसिस इज डिफरेंट एंड अजम्पशन इज डिफरेंट। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा, हम रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मेथड्स यूज करते हैं। हाँ, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, जहां हाइपोथेसिस नहीं होता या हाइपोथेसिस बनने से पहले हम अजम्पशन बनाते हैं, बाद में वो सही हो जाता है तो हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब जब आपको पता चला व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्चर जिसको सॉल्व करना चाहता है वो रिसर्च प्रॉब्लम। अब इस रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम लिखने में कौन सा वेरिएबल नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक पिको या पिकोट फॉर्मेट यूज किया जाता है। आप में से किसी ने सुना है क्या पिको या पिकोट फॉर्मेट? बिल्कुल, हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल, यस श्रुति। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में जहां हाइपोथेसिस नहीं होता वहां अजम्पशन डाल सकते हैं हम गाइडलाइन के लिए। यस, पिकोट का फुल फॉर्म बताइए, यदि आप में से किसी को पिकोट का फुल फॉर्म आता है तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, भगवान है और वो सब देख रहा है, इसीलिए हम सही रास्ते पे चलते हैं। लेकिन हम सही रास्ते पे इसीलिए नहीं चलते कि ये साबित करते कि भगवान है या नहीं, तो ये एक अजम्पशन है। बिल्कुल, पिकॉट, पिकॉक नहीं है, पिकॉट नहीं है। यस, सविता सेन का आंसर लगभग सही लग रहा है। जया सबरवाल, पिकॉट सही आंसर दे रहे हो आप, कोई नहीं दीपक, आज सुन रहे हो तो अभी पता तो चल जाएगा। प्रिया पी इज ऑल्सो राइट, नहीं दिनेश सिंह, पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, ये नहीं होगा। मीना तो सावड़ा, आपका जवाब भी लगभग सही है। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, तो यहां पी से क्या लिखेंगे हम, ये रिसर्च प्रॉब्लम को समराइज करने के लिए पी इज फॉर पॉपुलेशन, यानी कि हम ये रिसर्च किस पे कर रहे हैं, जनरल पब्लिक पे कि उनको कोरोना का नॉलेज है या नहीं, या डायबिटीज वालों में कि जहां से हम सैंपल लेके ये देखेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। सो पी इज फॉर पॉपुलेशन, फ्रॉम वेयर द सैंपल और द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी विल बी सिलेक्टेड। और दूसरा आपको याद रखना है, आई इज फॉर इंटरवेंशन, आई इज फॉर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब यहां पर क्या होगा, ट्रीटमेंट, यानी कि रिसर्चर जो प्रयोग कर रहा है जो इंटरवेंशन और उसका असर देखने वाला है, जैसा ऐसा करने से कोरोना से बचाव होता है या नहीं, सो दैट इज इंटरवेंशन। रिसर्च की भाषा में जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट सी, सी का मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन या कंट्रोल, तुलना करने के बिना हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे। जैसे हम कहें कि जो ये हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चे और जो रेगुलर मिल्क पीने वाले बच्चे, इसमें हॉर्लिक्स पीने वाले की ग्रोथ ज्यादा हुई और जो रेगुलर मिल्क पी रहे थे उनकी ग्रोथ कम हुई, तो तुलना करेंगे तभी पता चलेगा ना कि ये लोग ज्यादा ग्रो हुए हैं। तो सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन। आप होशियार हो लेकिन किससे, इसके लिए कोई तो तुलना करना पड़ेगा ना, और आपने वही दोस्त बना रखा है जो आपसे कम होशियार है, इसलिए आप होशियार दिखते हो। सो दैट इज व्हाट इज कंपैरिजन हियर, सी इज कंपैरिजन। और कंपैरिजन को एक्सपेरिमेंट की भाषा में हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ओ का मतलब क्या, आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट। तो यहां संभावित रिजल्ट क्या होगा ये भी हमें जानना है। और कई बार ये सिर्फ पिको फॉर्मेट ही होता है, PICO और साथ में टी लगा दिया तो बन गया पिकॉट। क्यों, क्योंकि हर प्रॉब्लम का जो एनालिसिस होगा वो टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड। सो टी डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ योर डेटा कलेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ योर थेरेपी। बिल्कुल, अब
अब जब आपको पता चला कि पिकॉट के अंदर पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन या कंट्रोल और आउटकम और रिजल्ट, ये तो पिको हुआ, और टी से टाइम। अब यहां पर आपको पूछा जाए कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कौन सा वेरिएबल हिस्सा नहीं है, तो पिकॉट के अलावा बाकी वाला नहीं होगा। तो यहां पर यह क्वेश्चन कई बार आया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से संबंधित कि बिब्लियोग्राफी कैसे लिखें, दो शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। और यहां पर हमें ध्यान देना है, बिल्कुल महिमा ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था और जल्दी ये नॉर्थ सेट में भी देखा जाएगा आपको। सो आंसर दीजिए, व्हेन अ साइटेशन इंक्लूड्स मोर देन डैश ऑथर्स, ओनली द सरनेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर इज साइटेड फॉलोड बाय ईटी ऑल। यस नेहा सोनी, बिल्कुल पिकॉट समझ में आ गया ना, तो एग्जाम में भी काम आएगा, बहुत अच्छे। हनुमान दास आप रिसर्च अच्छा कर रहे हो ऑर्गन डोनेशन पे, लेकिन आपका सवाल गलत जवाब दे रहे हो आप, यहां पर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। पिंकी करवासरा आपका जवाब सही है, छाया आपका जवाब भी सही है, यस बहुत अच्छे। तीन चार पांच गलत है, यस मनीरा यू आर राइट, नाउ यू आर गेटिंग इट, बिल्कुल सही। आंसर देना है 6, आंसर देना है 6 और मोर। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिखने में ईटी ऑल कब लगाया जाएगा, यानी अपन कहते हैं ना डैश डैश डैश, वह अन्य हाईकोर्ट वगैरह के केसेस में भी आप देखते हो, तो वह अन्य का मतलब है ईटी ऑल, और कब लगाया जाता है 6 होता रहे तब तक तो नाम लिखेंगे, और 6 से ज्यादा हो गए तो लास्ट में लगेगा अन्य और उनकी टीम। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम यहां पर फटाफट से देख लेते हैं कि ये बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट, आप लोगों ने बिब्लियोग्राफी लिखी है पहले, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट। सो यहां पर दो शब्द है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम पुरानी जानकारियां ढूंढते हैं, जिसे हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन जो चीज है हम उसको दोबारा क्यों खोजें, और व्हाट इज नॉट डन, तो डन और नॉट डन में जो गैप है वो हमें खोजना है मान लो, और पहले वालों ने क्या गलतियां करी वो हमें नहीं करनी है, और पहले वाले यदि सफल हुए हैं तो वो कैसे सफल हुए हैं वो तरीके हमें भी आजमाने। अब बिब्लियोग्राफी एनसीपी और केस स्टडी में आप लिखते थे, अच्छा तो क्या ये रेफरेंस आप किताब देख के लिखते थे या जो आपने कॉपी मारा कहीं से, कॉपी मारा था क्या, कॉपी किन किन बच्चों ने किया था, कई बच्चे तो पेज नंबर भी कॉपी कर देते थे, उनको पता ही नहीं था कि उस पेज में किताब में वो लिखा हुआ है या नहीं, कोई बात नहीं जो हुआ तो हुआ, सीनियर की कॉपी पेस्ट, विजय कुमार सही कह रहा है बिल्कुल। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आजकल जो हम हर चीज गूगल से पूछते हैं और हमें लगता है गूगल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आपको यही लगता है ना बच्चों, गूगल जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, गूगल के पास खुद की जानकारियां नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन का मतलब क्या कि आपने टाइप करा, गूगल ने सर्च करा कि ये जेएनसी कहां कहां लिखा हुआ है, फेसबुक पे लिखा हुआ है, यूट्यूब पे लिखा है, जेएनसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है,
वो सारी जानकारी आपके सामने आ जाती। रफ शब्दों में हम इसको तोता कह सकते हैं, जिसके कोई चीज रटी हुई हो प्रोड्यूस कर दे कॉपी करके। यस सुनीता यू आर राइट। तो यहां पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब हम जानकारी कहां ढूंढे। तो आजकल तो जहां डेटा जमा रहता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं? डेटाबेस। और आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। जैसे आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप किसी को नंबर डायल करना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट में जाके सर्च कर लो और डायल कर दो, नहीं मिला तो आप झट से किसी और डायरी जो कि गूगल है या जस्ट डायल है वहां से नंबर ले सकते हो। यस तालिब, गूगल बाबा की जगह सही नाम गूगल तोता है। अब जब आपको पता चला कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर पहले जब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था तो ऑफलाइन हुआ करता था ये सर्च, ऑफलाइन। अब जब आपको पता चला ऑफलाइन, तो जब इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नहीं थे तो हमारे फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होती थी, तो हम फोन नंबर कहां लिखते थे? फोन नंबर कहां लिखते थे हम, फटाफट बताओ। कुछ फोन नंबर हमें याद होते थे, कुछ फोन नंबर तो हमें याद होते थे, और कुछ फोन नंबर हम डायरी में लिख के रखते थे, डायरी। और फिर डायरी में से हम देख के नंबर डायल कर देते थे, एसटीडी कोड भी याद रखते थे। बिल्कुल बढ़िया तोते बना रहे हो आप, क्या बात है। और एग्जाम में तोते उड़ भी सकते हैं, याद रखना मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया तो। तो पहले तो ऑफलाइन में डेटाबेसेस होते थे, और आजकल कौन सा डेटाबेस है? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में आपको याद रखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कौन से डेटाबेस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता। ये जानकारी ज्यादातर जगह नहीं मिलेगी बच्चों, और मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द टॉपिक। और इसमें आपको याद रखना है कि उसको रिव्यू को हम कैटेगराइज कर देते हैं। दो तरीके की जानकारी होती है, मैंने आपको सेंसस में भी बताया, प्राइमरी यानी कि ओरिजिनल। जैसे न्यूटन ने हमको कहा था कि ये सेव गिरा तो वो हुआ प्राइमरी, लेकिन हम बुक्स में पढ़ रहे। हाँ विजय कुमार, स्पेशल फोन नंबर घर की दीवार पे लिख देते थे, पापा पढ़ लेते तो बड़ी दिक्कत होती। और नेहा तो कह रही सिर्फ पापा का नंबर याद है बाकी कुछ नहीं, और अभी मुझे लग रहा है लोगों को खुद का नंबर भी याद नहीं है, क्या बात है, वो पुराना दौर याद करना पड़ेगा। अब यहां आपको पता चला प्राइमरी मतलब खुद, तो सेकेंडरी मतलब डिस्क्रिप्शन बाई अदर्स। तो हम जो पढ़ते हैं ज्यादातर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी सोर्स। सो प्राइमरी सोर्स मुश्किल है, ज्यादातर जो हम देखते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है, लेकिन बेस्ट जानकारी कहां से मिलेगी? प्राइमरी सोर्सेस। अब डेटाबेस कौन सा है, तो आपको एक नाम मैं बताऊंगा, यहां पर एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, सिनहेल और पबमेड। और नर्सिंग के लिए एक विशेष तौर से देखा जाए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। बाकी पबमेड और मेडिकल के तो बहुत सारे कॉमन है, नर्सिंग के लिए आपको याद रखना है सिनहेल, दैट इज क्यूम्युलेटिव मतलब एक जगह जमा किया। इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, यह है सिनहेल। तो आपको पूछा जाए, बिल्कुल आशीष आपकी स्पीड बहुत अच्छी है टाइपिंग की, मैंने लिखा तब तक लिख दिया, क्यूम्युलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। बिल्कुल आशीष, एक बात पूछना चाहूंगा, कैपिटल में लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है आशीष ने टाइप ही किया होगा। पबमेड और बहुत सारे डाटा मैट्रिक्स अवेलेबल है आपको, फिलहाल के लिए
फिलहाल के लिए सिनाइल बताना चाहूंगा मैं यहां पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में एक वर्ड आता है प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म, और इसको कहते हैं कॉपिंग, कॉपिंग। होता क्या है यहां पर, तुम लोग पुराने सीनियर का असाइनमेंट लेते, ऐसे कुछ बच्चे करते थे, मुझे लग रहा तुम तो ज्यादातर मेहनती बच्चे थे। सीनियर का असाइनमेंट लिया, उसका जो फ्रंट वाला कवर पेज था वो हटाया, अपना नाम लिख दिया, अपना नाम, और सबमिट कर दिया। ऐसा किया क्या आप लोगों ने, किसने किसने किया, ईमानदारी से बता दो यहां पर, क्योंकि खुद के साथ ईमानदार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे तो पकड़े ही नहीं जाते थे, कुछ पकड़े गए, किसने किसने किया ये, कॉपी। हमारी तो कॉपी पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे हो रही है, ऑफलाइन में भी हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन प्लेजियरिज्म का मतलब क्या, कि जो रिसर्चर होते हैं वो दूसरे का रिसर्च कॉपी कर लेते हैं और अपना बना के सबमिट कर देते हैं। खुद ने जो मेहनत करी है वो बच्चे तो जेएनसी के बच्चे ही हैं बिल्कुल। और यदि गलती कर ली है पहले तो आगे मत करना, ध्यान रखना। हम इंडियंस में यही होता है, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, लास्ट में किसी का नाम लिखा हुआ होता है, हम उसको ही फॉरवर्ड करते रहते, देखते भी नहीं है कि ये नाम उसका है। और कुछ बड़े शातिर होते हैं, उसका नाम हटा के अपना नाम लिख के मेड इन इंडिया कर देते, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब प्लेजरिज्म रिसर्च में एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हमें क्या करना है कि कॉपी नहीं करनी। हाँ, आपने कोई किसी की जानकारी यूज करी है रिसर्च में, जो पहले लोगों ने रिसर्च से जो फाइंडिंग यूज करी है, तो उसको क्रेडिट देना है। क्या करना है कि भाई साहब ये खोज न्यूटन ने करी है, मैंने नहीं करी। और आप क्या करोगे, क्रेडिट देने के लिए उसका नाम लिख दो कि हाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। हम कहते हैं, हम इसको साइट करना कहते हैं, साइट, साइट करना मतलब उसका रेफरेंस देके लिखना, और वो कहलाता साइटेशन या रेफरेंस देना कि हाँ भाई ये जानकारी जो है ये उन्होंने खोजी थी। तो इसीलिए बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस जरूरी है, कि आप रिसर्च में सब चीज नहीं नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरों ने की है उनको बाकायदा क्रेडिट देना जरूरी है, उसका रेफरेंस डालना है। बहुत सही कह रहे हो। अब सो यू हैव टू साइट एंड गिव क्रेडिट, गिव क्रेडिट टू देम कि ये उन्होंने खोजा था। और इसी के लिए हमको चाहिए रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी। ध्यान से सुनिए। और अब कॉमन स्टाइल, आप परेशान थे, आपके टीचर कहते थे कि आपको वैंक्यूवर स्टाइल, वैंक्यूवर स्टाइल में आपको याद रखना है वैंक्यूवर स्टाइल। और अभी हेल्थ साइंस में रिसर्च के अंदर जो रेफरेंसिंग की टेक्निक होती है वो वैंक्यूवर स्टाइल यूज की जाती है। वैंक्यूवर एक कनाडा में शहर है, कनाडा के अंदर, कनाडा में वैंक्यूवर शहर है, वो स्टाइल से यूज की जाती है। लेकिन सबसे चर्चित आपके टीचरों ने कहा था कि अरे एपीए स्टाइल में लिखो, एपीए स्टाइल। क्या आपने एपीए स्टाइल सुना है क्या, एपीए स्टाइल? बिब्लियोग्राफी प्रिया बिल्कुल, जब कंटेंट ही कॉपी होगा तो बिब्लियोग्राफी ही कॉपी होगी ही होगी। एपीए की फुल फॉर्म बताइए, एपीए। दूसरा तरीका हार्वर्ड स्टाइल, और ये ज्यादा चर्चित नहीं है। तीसरा जो है वो एपीए, एपीए इज व्हाट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये स्टाइल होती कैसी है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि कैसे बिब्लियोग्राफी लिखे, कैसे बिब्लियोग्राफी लिखे, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, दो शब्द और समझने आपको, एक होता रेफरेंस और एक होता बिब्लियोग्राफी। आपके लिए रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी सेम है आज तक, लेकिन अब ये सेम नहीं रहेगा, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। ये क्या है, देखिए कि रेफरेंस लिस्ट में क्या होता है,
रेफरेंस लिस्ट जो आपने साइटेशन यूज किया, साइटेशन मतलब कि आपने अकॉर्डिंग टू वर्मा ये होता है ऐसा लिखा, या किसी बुक का एक पैराग्राफ लिखा जो उस बुक में लिख रखा था, या किसी जर्नल से जो फाइंडिंग ली, कोई इंटरनेट से फाइंडिंग ली, किसी टेप रिकॉर्डर फिल्म से जो सीन लिया उसमें आपने उनको रेफर करा है, मतलब वहां लिखा हुआ चीज हूबहू आपने अपने रिसर्च में लिखा और फिर लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू वर्मा 1996 ये पैराग्राफ आप कह रहे हो, तो इसको कहते हैं साइटेशन। साइट मतलब उनकी कही हुई बात को लिखना, और रेफरेंस लिस्ट जो है जो आपने रेफर करा है, जो आपने साइट करा है उनकी लिस्ट बनानी है, और आप अपने रिसर्च के लास्ट में ये लिख दोगे। और रेफरेंस लिस्ट कैसे देते हैं हम, तो यहां पर आप एक रेफरेंस लिस्ट देने के लिए, रेफरेंस लिस्ट देने के लिए आप एक न्यूमेरिकल तरीका यूज करते हो, न्यूमेरिकल, कि जो पैराग्राफ में पहले आया है उसको रेफरेंस लिस्ट में सीरियल नंबर 1 दे दो, तो जैसे ही आपका ब्रैकेट खत्म होता है आप लिखते हो वर्मा 1996, या फिर पैराग्राफ खत्म होते ही ऊपर एक नंबर 1 लिख दिया, या ब्रैकेट में नंबर 1 लिख दिया, इसको ऊपर किया हुआ है मतलब सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या, जो ऊपर, जैसे अपन लिखते हैं फर्स्ट, ये ST ऊपर लिखा, ये सुपरस्क्रिप्ट हुआ। जैसे अपन लिखते हैं H2O, ये 2 नीचे लिखा, इसको हम कहते हैं सब, सब यानी कि नीचे, सबस्क्रिप्ट करना, सबस्क्रिप्ट करना। अब जब आपको पता चले कि आपको पूछे कि पैराग्राफ के अंदर लास्ट में ये जो सब सुपरस्क्रिप्ट नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, तो आप लिखोगे कि आपकी रेफरेंस लिस्ट में कोई वेरीफाई करना चाहिए तो वो बुक या जर्नल पढ़ के चेक कर सकता है, जर्नल पढ़ के चेक कर सकता है जो आपने वहां से पैराग्राफ लिया वो सही है या नहीं। तो रेफरेंस लिस्ट कैसे होगी ऐसा पूछा जाए तो आपको पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, कैसे होगी न्यूमेरिकल, कैसे होगी न्यूमेरिकल। और बिब्लियोग्राफी क्या है, एक सेपरेट लिस्ट रेफरेंस लिस्ट के अलावा हम डालते हैं, वो है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब क्या कि ए से जिनका सरनेम पहले आता है उनका नाम पहले, बी से जिनका आता है, सी से, डी से। क्यों, क्योंकि अब जब आपको पता चला कि ये तो हमारे क्लास के रोल नंबर जैसे हो गए, लेकिन रेफरेंस लिस्ट में तो वो लोग थे जिनका वर्क अपन ने साइट करा, बिब्लियोग्राफी में ये लोग हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली, नॉलेज मिला, हमने इनको डायरेक्टली कहीं भी इनकी कई भी बात डायरेक्टली रिसर्च में इंक्लूड नहीं करिए। जैसे आपने रिसर्च की बुक पढ़ी रिसर्च सीखने के लिए, आपने योगा सीखा आप कंसंट्रेट करना चाह रहे थे, उसको हम कहेंगे बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी कैसे अरेंज होगी, तो अल्फाबेटिकली, ऑथर का सरनेम, सरनेम जैसे शर्मा वर्मा या स्वामी जो भी होगा, ABCD में जिसका पहले आता है उसको लिख देना है, उसको लिख देना है। अरे बच्चों जिनका ऑल टिकट आ गया है दूसरों को कंफ्यूज मत करो, सभी का आ जाएगा, चिंता मत करो, और कोई प्रॉब्लम भी है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी आपको ईमेल से कांटेक्ट करने का टाइम मिलेगा। फिलहाल क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं हम, पढ़ाई में ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को तो ये सिर्फ एग्जाम के बाहर आने के बाद पता चलेगा, जब वो डिस्कशन कर रहे होंगे कि भाई साहब ये भी आया था, इसीलिए मौका खोना नहीं है आपको अभी। नेक्स्ट देखिए, अब वैंक्यूर स्टाइल में कैसे लिखते हैं, तो आप देखोगे कि ये किस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लास्ट में ये 2 लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रोमन नंबर में 2, कि ये आपका रेफरेंस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो किताब लिखी है आपने, जर्नल लिखी है, वहां से चेक कर सकते हो। इसको लिखने का तरीका कैसा है एक स्टाइल बता देता हूं मैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है देखिए, गेटजन TE, ये तो ऑथर का नेम है, और इसके बाद डॉट लगाया, डॉट, उसके बाद क्या है, हेल्थ इकोनॉमिक्स द फंडामेंटल्स एंड द फ्लो ऑफ फंड्स, ये नाम क्या है, ये नाम है उसके बुक का। यदि मान लो ये जर्नल का आर्टिकल होता तो ये आर्टिकल का टाइटल है, टाइटल ऑफ जर्नल आर्टिकल, टाइटल, ये उसका टाइटल है, ये उसका टाइटल है। फिर आप देखोगे डॉट, टाइटल के बाद डॉट, फिर आप देख रहे हो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एक प्लेस है, प्लेस जहां से ये पब्लिश हुई है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद आप क्या देखोगे,
ये देखो ये क्या था, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद ये नाम है जॉन विलीज एंड सन्स, जॉन विलीज एंड सन्स। और ये क्या है, ये पब्लिशर है जिसने ये बुक या जर्नल छापी है, ये है पब्लिकेशन, जैसे आपने जेपी पब्लिकेशन या कोई अन्य पब्लिकेशन होता है ये। और फिर ये होता है कॉलन और ये होता है सेमी कॉलन, एक कॉमा और उसके ऊपर डॉट, सेमी कॉलन, और उसके बाद लिखा है 1997, ये ईयर है, ईयर में जहां ये पब्लिश हुआ है वो ईयर, और उसके बाद कई बार पेज नंबर लिखे हुए रहेंगे 113 to 116, मतलब आपने वो वाले पेज को लिस्ट किया है। अब दीपक गुप्ता आप हमारे सपोर्ट नंबर पे फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको पूरा समाधान मिल जाएगा, डोंट वरी। अब यहां पे इस तरीके से बिब्लियोग्राफी में जहां ईयर लास्ट में लिखा हुआ हो वो कौन सी स्टाइल है, वैंक्यूवर स्टाइल, वैंक्यूवर स्टाइल। अब दूसरा देखिए आप, जहां 6 से ज्यादा ऑथर्स आ जाते हैं तो हम इतना नाम नहीं लिखते, लास्ट में वर्ड लगा देंगे ईटी ऑल, ईटी ऑल। अब एपीए में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में भी वैसा ही मिलता जुलता ही है, लेकिन एक डिफरेंस आपको देखना है कि ऑथर्स के नाम के बीच में कॉमा कॉमा कॉमा, चार पांच जितने भी ऑथर्स, उसके बाद लास्ट वाले ऑथर्स के बाद फुल स्टॉप, और यहां ब्रैकेट में ईयर लिखा हुआ रहेगा। तो ब्रैकेट में नाम के बाद ईयर लिखना एपीए की स्टाइल है, एपीए की स्टाइल है। और फिर ये लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट इट्स नेचर एंड कोर्स, तो ये है टाइटल, ये है टाइटल, और टाइटल को यहां थोड़ा तिरछा किया हुआ है, और तिरछे किए हुए हम कहते हैं इटैलिक, इटैलिक। यदि आप इटैलिक में इस तरीके से देखोगे कि टाइटल को इटैलिक में लिखा हुआ है तो ये एपीए स्टाइल है। तो वैंक्यूवर एपीए में ज्यादा फर्क नहीं है, ब्रैकेट में ईयर लिखा हुआ है तो एपीए स्टाइल है। और ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर बुक्स वर्ल्ड में कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, एपी। सिर्फ हेल्थ साइंस में रिसर्च, हेल्थ साइंस में रिसर्च जो आजकल अपन देख रहे हैं, हेल्थ साइंस यानी कि मेडिकल में जो रिसर्च है वो वैंक्यूवर स्टाइल फॉलो करने पे इंसिस्ट कर रहे हैं अभी, बाकी कोई खास फर्क नहीं। तो बुक का वॉल्यूम हुआ, एडिशन हुआ, वो लिख देना है आपको। फिर बोस्टन, बोस्टन ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, फिर आपको कॉलन लगा के मैग्रो हिल लिखना है। तो ये मैग्रो हिल क्या है, पब्लिशर, पब्लिशर। और फिर लास्ट में पेज नंबर लिख देने, पेज नंबर लिख देने। तो ये था एपीए स्टाइल। अब कुछ और पॉइंट्स देखे हम, जैसे एथिक्स, एथिक्स ईयर लास्ट में लिखा हुआ होगा तो वैंक्यूवर होगा आशीष शर्मा, आशीष वर्मा, और एपीए के अंदर ईयर जो है वो ऑथर के नाम के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, ये बड़ा डिफरेंस। एपीए में हम इटैलिक्स यूज करते यहां पर। अब जब आपको पता चला कि इथिकल प्रिंसिपल्स, इथिकल प्रिंसिपल व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिवील्ड टू एनीवन, इसको क्या कहेंगे, इथिक्स। तो बच्चों एक बड़ा वर्ड है, इथिक्स तो एक बड़ा वर्ड है, इसी के अंदर ही बहुत सारे प्रिंसिपल आते हैं, जस्टिस का, कॉन्फिडेंशियलिटी का, डू नॉट हार्म, नॉन माल एफिशियंस, वेरेसिटी, टेलिंग द ट्रूथ। तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आप दोबारा बताइए। यस, बी अनोनिमिटी, अनोनिमिटी मतलब नाम ही नहीं लेते, नाम तो लिखते हैं हम सैंपल्स का लेकिन सबको बताते नहीं है, इसलिए एनोनिमिटी भी गलत है, एनोनिमिटी भी गलत है। आप बताइए, यस, अब आपको सवाल समझ में आ रहा है। अरे बच्चे जो ऑप्शंस में ही नहीं है वो क्यों बता रहे हो, ऑप्शंस में ही नहीं है वो क्यों बता रहे हो, बहुत आसान, कॉन्फिडेंशियलिटी, जानकारी गुप्त रखना, मतलब किसी को भी नहीं पता है, वो होती है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब किसी को भी नहीं पता, लेकिन यहां हमें पता होता है, हमें पता होता है
लेकिन हमें इसको शेयर नहीं करना है, दूसरों को नहीं बताना है। वो क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। वो क्या होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहां आंसर होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। ए इज राइट, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पायलट स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। व्हाट इज पायलट स्टडी? लार्ज स्केल स्टडी, स्टडी इन्वॉल्विंग पायलट्स, स्टडी टू टेस्ट द टूल एंड डेटा कलेक्शन, अ स्टडी दैट इज फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप। पायलट स्टडी, इस क्वेश्चन का आंसर देना है पायलट स्टडी। फटाफट से आंसर दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे सुस्त नहीं होना है। यस, बिल्कुल सही, सी को लॉक कर देते हैं। तो ये जो स्टडी है ये टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। कैसे? लार्ज स्केल नहीं है, इसकी जगह यदि स्मॉल स्केल होता तो वो सही हो जाता है, स्मॉल स्केल स्टडी। सो पायलट स्टडी का मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा ये कोई नेता जा रहा है अपने यहां, तो नेता की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी के ऊपर लिखा होता है पायलट, और वो पायलट क्या देखने जा रही है गाड़ी, आगे रोड क्लियर है या नहीं, जिससे नेता आराम से नॉन स्टॉप चला जाए। यानी वो देख रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, कोई बॉम्ब स्पोर्ट वाला हुआ तो भी नेता बच जाए बेचारी, ये गाड़ी उड़ जाए। तो इसको हम ट्रायल स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल। इसीलिए जो मेन स्टडी करते हैं हम, उससे पहले एक छोटा ट्रायल कर लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं। अब थैंक यू सीनू अंसारी। अब पायलट स्टडी के अंदर छोटी स्टडी ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम बड़ी गलती एक साथ नहीं करते, और आपको याद रखना है इसको कहते हैं स्मॉल स्केल स्टडी, स्मॉल स्केल स्टडी। और राजस्थान में जो पायलट ने धमाल मचाया वो अलग है। या फिर मुख्य स्टडी से पहले, जैसे आपको होता है एक फाइनल मेन स्टडी, फाइनल और मेन एग्जाम्स होते हैं ना, उससे पहले एक प्री फाइनल होता है, प्री फाइनल जिसको हम इंटरनल एग्जाम्स कहते हैं, तो इसको हम प्रीलिम्स भी कह सकते हैं, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स। तो आपको याद रखना है दिस इज प्रिलिमिनरी स्टडी। ये अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है, अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है, मैं एक साथ सारे नाम बता रहा हूं। स्मॉल स्केल, जैसे आप 1000 लोगों पे स्टडी कर रहे हो, उससे पहले 10 लोगों पे ट्राई कर लो, 100 लोगों पे ट्राई कर लो, कहीं गलत तो नहीं हो रहा नतीजे चेक करने के लिए, और इसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। या फिर इसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी मतलब ये मुमकिन है या नहीं। जैसे आप सपना देखते हो बड़ा, और बाद में आपको पता चले कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, कैसे? थैंक यू सावित्री, कॉम्बिनेशन इन जेएनसी इज बेस्ट, और आप जैसे स्टूडेंट इसको और बेस्ट बना देते हो। अब मुमकिन है या नहीं, कैसे? तो आप देखोगे कि आपके जेएनसी ने जब फ्री कोर्स लॉन्च करा, फ्री कोर्स लॉन्च करा, तो क्या देखा देखी बाकी लोग भी आए यूट्यूब चैनल्स पे, उन्होंने कह दिया कि हम भी फ्री दे रहे हैं, हम भी फ्री दे रहे, और जेएनसी में 4 घंटे पढ़ाएंगे डेली, तो उन्होंने कहा हम भी पढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता है जेएनसी में क्वालिटी स्टडी डेली 4 घंटे, लेकिन वो जो बरसाती मेंढक थे 2 दिन आए, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 1.5 घंटा, और बाद में कहते हैं कि बच्चों हम बिजी है, अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, वी आर सॉरी। तो फिजिबिलिटी, तो आप भी रिसर्च में सीधा कोरोना का वैक्सीन नहीं बनाना है, जो चीज आपके बस में है वैसा ही रिसर्च लो। बस में मतलब क्या, कि आपके पास उतना टाइम है, आपके पास उतना नॉलेज है, आपके पास उतना मैन पावर है, आपके पास उतना डेडिकेशन है, आपके पास उतनी बड़ी टीम है, और आपके पास उतनी क्वालिटी है, तो उतने ही वादे करने। यस,
सो अब जब आपको पता चला कि इसको कहते हैं फिजिबिलिटी, यानी कि तुम बड़ा बड़ा प्लान बना लिया कि घर बनाएंगे तो एकदम लाल किले जैसा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब इतना घर बनाने के लिए तो अपने पास क्या चाहिए, अपना सपना मनी मनी पैसा है ही नहीं, फिर उस लाल किले जैसे बड़े प्लॉट में एक झोंपड़ी बनाई, ये लो। तो ये होती फिजिबिलिटी। तो हमारे यहां जैन जी के होते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यस देवानंद यू आर राइट। तो प्लान अपनी हैसियत के हिसाब से बनाना चाहिए, ऐसा हमको पायलट स्टडी बताती है। और साथ साथ इसको हम कहते हैं मिनिएचर स्टडी, मिनी स्टडी। मिनी कैसे, जैसे एक रेलवे लाइन बनी, उस रेलवे लाइन पे सीधा ट्रेन 110 की स्पीड से थोड़ी दौड़ेगी, पहले इंजन चलाएंगे, फिर खाली ट्रेन चलाएंगे, फिर धीरे धीरे ट्रेन चलाएंगे, फिर ट्रायल करेंगे। इसलिए इसको हम ट्रायल रन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल रन, कि हम गलती कर रहे हैं तो अभी पकड़ लें और सुधार लें, वरना मेन बड़ी गलती। इसलिए इसको कहते हैं ट्रायल रन, ट्रायल रन। और ट्रायल रन के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य स्टडी में यदि आप 100 सैंपल लेते हो तो पायलट स्टडी में कितना। नॉर्मली कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मली कोई फॉर्मूला नहीं है। थैंक यू रश्मिता साहू, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हो कि जो मुख्य स्टडी के सैंपल्स है उसका 10% आपको पायलट स्टडी में लेना चाहिए, मुख्य स्टडी का 10%। और मिनिमम कितने हैं? तो 10। जैसे मुख्य स्टडी में 100 सैंपल आप ले रहे हो तो पायलट में आपका उसका 10% 10, लेकिन मान लो आप मुख्य स्टडी में 50 सैंपल ले रहे हो तो उसका 10% तो 5 ही होगा, तो आपको 5 नहीं, कम से कम कितने लेना चाहिए? 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम कितने लेने चाहिए? 10। तो अब हमको पता चला पायलट स्टडी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएंगे वो है सैंपलिंग एंड रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। तो कहीं जाना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं, बिल्कुल रैंडम नॉन रैंडम सारे सैंपलिंग आ जाएंगे बिल्कुल। माइक्रो टीचिंग आशीष वर्मा जो है ना वो पार्ट्स में होती है, मतलब आप टीचर का कॉन्फिडेंस एक टाइम, एक्सप्लेनेशन दूसरे टाइम, क्वेश्चन पूछने का टेक्निक तीसरे टाइम, एविएट्स यूज करने का टाइम चौथे टाइम देखते हो, वो पार्ट्स में होती है। ये पार्ट्स में नहीं होती, छोटे लेवल पे होती है, होता तो पूरा ही रिहर्सल है यहां पर, इसलिए इसको रिहर्सल कह सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग से ये फर्क है। अब रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के अंदर एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, और फटाफट से इसका आंसर दीजिए बच्चों। व्हाट इज द की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे तो, उन तीन में से यहां पे क्या है जो मेन है? बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। यस, आप समझ में आया ज्यादातर बच्चों को? राइट आंसर इज मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कॉज को कम ज्यादा करके मैनिपुलेट करेंगे और देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है एक्सपेरिमेंटल स्टडी के तीन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, 1, 2, 3। और सबसे पहला है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब हम जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, जो थेरेपी दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो तो मस्ट है। और दूसरा तुलना करने के लिए होगा कंट्रोल, तुलना करने के लिए कंट्रोल, यानी कि उन लोगों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और तीसरा रैंडम, रैंडम सैंपलिंग सिलेक्ट करेंगे, यानी कि रैंडमाइजेशन आगे पढ़ेंगे हम। अब एक और शब्द है यहां एक्सट्रीनियस, एक्सट्रीनियस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहरी, ये रिसर्च का मेन वेरिएबल नहीं है। जैसे अपनी क्लास में कुछ लोग बाहरी आ जाते हैं, आते कि नहीं बच्चों, बाहरी, जिनको हम वायरस कहते हैं, वायरस, वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि यहां पर कितने बच्चे हैं, इनके कितने लाइव चल रहे हैं, फटाफट से डिसलाइक करके चले जाते।
अरे बच्चों वो तो डिसलाइक कर चुके होंगे आउटसाइडर्स, लेकिन आप लोगों ने लाइक करा कि नहीं? लाइक जरूर करें बच्चों और शेयर जरूर करें। दो दिन तक, जो कि एग्जाम में अभी समय इतना ही बचा हुआ है 2-3 दिन का, और 2-3 दिन का जो समय चारों तरफ सिर्फ जेएनजी के वीडियो लेक्चर चलना चाहिए। एग्जाम हॉल के बाहर ट्रेन में, बस में, बाइक पे, कार में, जहां भी तुम जा रहे हो ये वीडियो चलते रहना चाहिए। एग्जाम हॉल के अंदर मत चला देना, वो नकल गिना जाएगा, एग्जाम हॉल में तो अलाउड नहीं है। एनीवेज, सो एक्सट्रेनियस मींस आउटसाइड, जो आपके स्टडी के रिजल्ट को प्रभावित करता है, हम उनको कंट्रोल करते हैं कि वो प्रभावित ना कर पाए। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट, हम उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी मिनिमाइज देम। डिसलाइक करके भी क्लास लेते हैं, बिल्कुल सही है मनु, ये लोग हैं एहसान फरामोश लोग हैं, जो डिसलाइक कर रहे हैं और क्लास हमारी ले रहे हैं। कोई बात नहीं, इनकी कृपा मैं रोक दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो यहां डिजाइन के अंदर कई टाइप्स पढ़ेंगे अपन ब्रेक के बाद। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, यस एकता, नो वीडियो वाइल ड्राइविंग, अरे ये तो पीछे बैठे रहेंगे ना, ड्राइव कोई और करेगा तब देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हेन अ रिसर्च स्टार्ट्स विथ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मूव्स बैकवर्ड, कई बार ये सवाल आया हुआ है, मैंने आपको कम्युनिटी में पढ़ाया था, आपको याद रखना है कि बैकवर्ड प्रेजेंट से पास्ट में देखने का तरीका क्या कहलाता है। क्या ये प्रेडिक्टिव है? नहीं, प्रेडिक्टिव वाला तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगा। दूसरा, क्या ये एक्सप्लोरेटरी है? अपन पढ़ेंगे एक्सप्लोर करना, मतलब डिटेल में जानना, ये भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन के बहुत टाइप्स होते हैं, तो बचा क्या? रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रो यानी कि पास्ट, रिट्रो यानी कि लुकिंग इनटू पास्ट। और मैंने आपको बताया भी था, इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। वर्ड याद रखना, एक्स पोस्ट फैक्टो, घटना होने के बाद पास्ट में देखना, एक्स पोस्ट फैक्टो या डी पोस्ट फैक्टो, दो शब्द याद रख लेने आपको। बिल्कुल, रिट्रो यानी कि पास्ट, प्रोस्पेक्टिव, प्रेडिक्टिव यानी कि जो फ्यूचर में देखता है उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, जो फ्यूचर में देखेगा वो प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। यानी अभी हम एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर, रिसर्च डिजाइन, सैंपलिंग और एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे कवर करेंगे। इस ब्रेक के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। रश्मि मैं सब जगह हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। अब 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हम नई स्ट्रीम 10 मिनट के बाद। वेलकम दिशा, इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब करें चैनल को। 10 मिनट के बाद, तब तक के लिए थोड़ा सा चाय पानी कर लेते हैं, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पार्ट टू में मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच। 10 मिनट के बाद नई स्ट्रीम होगी। रिया कह रही है 11:21, बिल्कुल सही है, जेएनजी है तो क्वालिटी और टाइमिंग और पंचुअलिटी का तो कहो ही मत। ओके देन, सी यू सून, 10 मिनट बाद नई स्ट्रीम पे, तब तक इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दो।